लास्ट क्लास में हम ये कर रहे थे लेकिन हमसे हो ना पाया था। ठीक है, एरर्स आ गए थे काफ़ी सारे, ऊपर से रेलवे भी काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा था। अच्छा, तो वो असल में प्रॉब्लम रेलवे की साइड से नहीं था, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। हमने बहुत मेजर किस्म की गलतियाँ इसमें की हुई थी, तो वो मैं पहले आपको बता दूँ कि वो कौन सी गलतियाँ हमने की हुई थी मेजर। अच्छा, सॉकेट आयो को इस तरह करके रिक्वायर किया हुआ था, लेकिन हम ऐसे करके भी कर सकते हैं, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं। हम डॉक्यूमेंटेशन देख रहे थे, उसमें ऐसे बताया हुआ था उन्होंने, तो मैंने ऐसे चेंज कर दिया, इसका कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अच्छा, लेकिन मेन हमने गलती कहाँ पे की हुई थी, हमने यहाँ पे लिखा हुआ था सॉकेट को जब हम कनेक्ट कर रहे थे ना आयो करके, तो हमने यहाँ पे स्टेट डॉट बेस यूआरएल लिखा हुआ था। ठीक है, अच्छा इस जगह पे असल में होना क्या चाहिए, इस जगह में होना चाहिए उस सर्वर का यूआरएल। मिसाल के तौर पे अगर मेरा सर्वर चल रहा है 5001 पे, तो 5001 होना चाहिए, लोकल होस्ट 5001, बस आगे कुछ नहीं उसके। और अगर मेरे पास साइक्लिक पे या रेलवे पे चल रहा है, तो वो वाला यूआरएल होना चाहिए डॉट कॉम तक, या डॉट ऐप जो भी है उसमें। ठीक है, डोमेन जितना है ना उतना होना चाहिए। अच्छा, तो और अगर इसमें हम कुछ ना लिखें, इसको हम खाली भी रख सकते हैं। खाली रखने की सूरत में क्या होगा, ये जो भी यू आर एल होगा ना, यानी जिस डोमेन पर खड़ा हुआ होगा ये, उस डोमेन में जो भी यू आर एल होगा उस पर ये कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हम इसको खाली नहीं रख सकते। पहली बात, खाली हम इसको इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि डेवलपमेंट करते वक्त हम लोकल होस्ट 3000 पे अपना फ्रंट एंड चला रहे होते हैं। तो अगर हम इसको खाली छोड़ेंगे तो क्लाउड पे तो जाने के बाद ये सही काम करेगा क्योंकि वहाँ सेम यूआरएल होता है, बट जब लोकल हम रन कर रहे होंगे तो ये 3000 पे सॉकेट कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, जबकि सॉकेट 5001 पे, जो हमारा सर्वर है। ठीक है, तो इसलिए खाली नहीं छोड़ सकते उसको। प्रोडक्शन में आप खाली छोड़ें तो भी ये सही चलता है। तो हमें कुछ ना कुछ इसमें लिखना पड़ेगा, या एटलीस्ट हमें ये करना पड़ेगा कि जब हम लोकल पे जब तक हैं, जब तक हम लिख दें, जब हम क्लाउड पे जाएं तो हम खाली छोड़ें। और एग्जैक्टली यही काम हम कर रहे हैं, जो बेस यूआरएल हमने कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक वेरिएबल बनाया हुआ है बेस यूआरएल का, उसमें हम क्या करते हैं, तो उसमें हम ये करते हैं कि अगर मैं आपको जाके दिखाऊँ वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में, तो हमने इसमें यहाँ पे यही किया हुआ है कि भाई विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच रेफ में अगर ना लोकल होस्ट इंक्लूडेड अगर है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे कुछ यूआरएल लिख देते हैं, अदरवाइज हम उसको खाली छोड़ देते हैं। सही है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि हमने स्लैश एपीआई स्लैश v1 पढ़ा ना, तो हम इसको बजाय खाली छोड़ने के हम इसमें ये लिखने लग गए, है ना। अच्छा, अब क्या हुआ फिर कि जब हम यहाँ पर आकर कैसे किया वो, ठीक है, जब हम यहाँ पर आकर अब इसमें लगा रहे हैं ना स्टेट डॉट बेस यूआरएल, तो वैसे तो सब कुछ सही है, लेकिन वो स्लैश एपीआई स्लैश v1 भी ला रहा है साथ में, ये जो कि यहाँ पे नहीं रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसकी अच्छा सॉकेट यूआई के अंदर नेम स्पेस नाम की एक चीज़ होती है, वो रेलिवेंट नहीं है, वो हम कवर नहीं करेंगे। तो वो स्लैश के बाद अगर कोई चीज़ होती है तो उसको नेम स्पेस समझने की कोशिश करता है, और वो इनवैलिड नेम स्पेस का एक एरर आ रहा था। अच्छा, वो एरर हमें मिल रहा नहीं था क्योंकि हमने यहाँ पे कनेक्ट डिसकनेक्ट तो लगाया हुआ था, लेकिन एरर नहीं लगाया हुआ था, ये भी मैंने डॉक्यूमेंटेशन से देख के लगाया। तो जैसे ही मैंने ये एरर लगाया तो मुझे एरर उसने देना शुरू कर दिया कि भाई नेम स्पेस आपने गलत डाला। मैंने कहा नेम स्पेस तो बनाया भी नहीं हमने। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा यार, वो तो यू आर एल के अंदर स्लैश के बाद कुछ आ रहा है एक्स्ट्रा जो कि नहीं आना चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, मैं दोबारा चेंजेस में अगर जाऊँ कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाके ना, मैंने एक दूसरा वेरिएबल बना दिया। ठीक है, पहले वाले को मैंने छेड़ा नहीं क्योंकि वो पूरी ऐप में यूज़ हो रहा है, वो तो मैंने एक दूसरा वेरिएबल बना दिया बेस यू आर एल सॉकेट आयो करके, जिसमें मैंने प्लेन उसको रखा है 5001 और प्रोडक्शन में खाली। सही है, तो फिर ये सही चलना शुरू हो गया। यही वो मेन रीज़न था जिसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा था ये, और मोस्ट प्रॉबली क्लाउड वहाँ पे जाने के बाद ना रेलवे पे ये इसकी वजह से ब्रेक हो जा रहा था। जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ वार्निंग्स ऐसी होती हैं जो फ्रंट एंड पे तो आपको वार्निंग दिखाता है, लेकिन सर्वर पे ना जब प्रोडक्शन होता है, वो जब इन्वायरमेंट वेरिएबल में प्रोडक्शन ट्रू होता है, तो उसको वो वार्निंग को एरर कंसिडर करता है और ऐप को चलने नहीं देता। तो शायद इस तरह का कुछ हो रहा था। तो अभी जो है ना, मैंने ये जो चेंजेस किए हैं, ये दोनों चेंजेस आपको मैंने दिखा दिए हैं कि इसमें मैंने चेंजेस क्या किए हैं, ताकि आप मतलब कोप अप हो जाए आपका कि कहाँ तक आप पहुँच गए, कहाँ तक हम पहुँच गए हैं इसमें। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, लास्ट मैंने ये सोचा था कि ये ऐप जो है ना, मैं क्लाउड पे डिप्लॉय करके एक आप अकाउंट बनाएंगे, एक मैं बनाऊंगा और हम चैट करके उसको देखेंगे, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्लाउड पे बार बार पुश करने में ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो इससे ना थोड़ी लंबी हो रही है, बिला हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे,
अब मेरी ही मशीन में मैं दो अकाउंट बना के, एक नॉर्मल ब्राउजर में और एक इनकॉग्निटो में खोल के दो अकाउंट बना के और उसको चलाकर देख लेंगे हम। वंस वो बिल्कुल सही चलने लग जाएगा तो क्लाउड पर डिप्लॉय कर देंगे, फिर हम आपस में भी कर लेंगे। ठीक है, आप फिर आप आपस में भी कर सकते हैं, मुझसे भी चैट कर सकते हैं, तो फिर हम कर लेंगे वो वाला काम। और आज हम कोशिश करेंगे कि ये सॉकेट आयो का टॉपिक हम कंप्लीट कर लें। वैसे तो लास्ट में ही कंप्लीट करना था लेकिन नहीं हो पाया था अनफॉर्चुनेटली। तो मेरे पास ये लोकल होस्ट 5001 पे सर्वर ऑलरेडी रनिंग है और लोकल होस्ट 3000 पे फ्रंट एंड मेरे पास ऑलरेडी रनिंग है। तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा जो नॉर्मल ब्राउज़र है इसको, इस पे मैंने ये ओपन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे पास अकाउंट लॉगिन है वो ये वाला अकाउंट लॉगिन है, इस पे लिखा हुआ रहा है दिस इज़ मी, ये अकाउंट मेरे पास लॉगिन है, ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ रहा है। और उसके अलावा मैंने इनकॉग्निटो में एक और अकाउंट बना के उसको चला लिया है, और इसमें जो मैंने बनाया है अकाउंट उसका नाम है प्राइवेट प्राइवेट। ठीक है, और उसका जो ईमेल है अगर मैं होम पे जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे दिख रहा होगा। अच्छा, ये आपको याद होगा हमने इसमें पेजिनेशन अप्लाई किया था, लिमिट किया था हमने उसको, तो वो क्योंकि ज़्यादा अकाउंट बन गया तो वो एक पॉइंट तक ला रहा है, उसके बाद नहीं ला रहा, तो मुझे मेरा ही अकाउंट देखने के लिए ऐसे करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज़ मी देखो लिखा हुआ है, प्राइवेट एट द रेट gmail.com, तो ये मेरा ये वाला अकाउंट है। ठीक है जी, तो अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, प्राइवेट वाले अकाउंट पे खड़े होके ये प्राइवेट वाला जो है वो इंजमाम से बात कर रहा है, सही है, और इधर इंजमाम वाले अकाउंट में आके मैं क्या करूँगा, प्राइवेट से बात करूँगा। सही है, तो ये दोनों, अब ये दो पार्टीज़ हैं। ठीक है, ये चैट विद प्राइवेट है और ये चैट विद इंजमाम है। अच्छा, तो अब इसका मतलब है कि यहाँ से मैं कोई मैसेज अगर भेजूँगा तो वो उधर पहुँच जाना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा कॉन्सोल को मैं जूम इन कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, रिफ्रेश किया इस स्क्रीन को पहले तो। ठीक है, अच्छा, इस स्क्रीन पे सब्सक्रिप्शन लग चुकी है इस वाले पे। ठीक है, तो क्लियर कर दिया मैंने, मैंने कहा भाई ए बी सी और एंटर, ए बी सी एंटर करने पे ये मैसेज सेंड हो गया यहाँ से। अच्छा, सेंड होने पे मैंने क्या किया था, दोबारा से गेट किए थे तमाम मैसेजेस, तो जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। ठीक है, मैं इस तरफ जाता हूँ जैसे ही, तो यहाँ पे भी आपके पास ये आप देख रहे हो, ये सॉकेट से मिला है मुझे। सही है, ये सॉकेट ने मुझे डेटा भेजा है, यहाँ पे पुश मैकेनिज्म है। मैं इसको क्लियर करता हूँ दोबारा से और यहाँ से एक नया मैसेज भेजता हूँ, मैं कहता हूँ ए बी सी न्यू। सही है, ताकि न्यू मैसेज के लिए मैंने, ठीक है, तो ये मुझे फ़ौरन देखो यहाँ पे पुश मैकेनिज्म के थ्रू ये पूरी चीज़ मुझे मिल जाती है। अच्छा, तो अब देखो ये पुश मैकेनिज्म मुझे मिल कहाँ पे रहा है, अगर मैं दोबारा डिफरेंसेस पे आऊँ, क्योंकि अभी तक मैंने अभी कोई चेंजेस नहीं किए, ये मैं पहले ही जो चेंजेस कर चुका था वही चल रही है। ठीक है, मैंने एक ये चेंज किया इसमें, उसके अलावा मैंने इसको स्टेट डॉट बेस यूआरएल कर दिया, नया बेस यूआरएल बना लिया, और तीसरी चेंजिंग मैंने कहाँ पे की है कि जहाँ पे ये सब्सक्रिप्शन लगी हुई है ना वहाँ पे आके मैंने क्या बोला है उसको कि भाई जैसे ही आपको सॉकेट डॉट ऑन और ये वाला पूरा चैनल बता दिया कि इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, और जैसे ही इस पे डेटा आता है कुछ, तो मैं यहाँ पे एक काम तो ये कर सकता हूँ, इस डेटा में मुझे पूरा का पूरा वो मैसेज मिलता है जो अभी अभी आया है, तो मैं उसको हाथ से उठा के पुश कर दूँ अपने स्टेट में, ये भी कर सकता हूँ मैं, या गेट मैसेजेस का जो फंक्शन है जिससे तमाम मैसेजेस गेट होते हैं, मैं वो भी कॉल कर दूँ तो भी मेरे पास तमाम मैसेजेस आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, जैसा कि हमने ये शुरू में देखा था कि एक्सप्रेस का जो सर्वर है वो एक एंटायरली डिफरेंट सर्वर है और जो सॉकेट का सर्वर है वो एक एंटायरली डिफरेंट सर्वर है। ठीक है, ये दो सर्वर चल रहे हैं बावजूद इसके कि वो एक ही मशीन पे चल रहे हैं, एक साथ मिल के रन हो रहे हैं, लेकिन ये स्टिल अलग अलग सर्वर है। जो मेरा एक्सप्रेस का सर्वर है वो HTTP सर्वर है, उसका जो प्रोटोकॉल है HTTP:// करके है, जो सॉकेट का सर्वर है वो WS:// करके है। ठीक है, तो हमें एक तरफ होना पड़ता है, हमें या तो सॉकेट की तरफ पूरा का पूरा मूव कर जाऊँ जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या मैं पूरा का पूरा HTTP सर्वर की तरफ यानी REST API की तरफ मूव कर जाऊँ, तो मैं पूरा का पूरा इस वक्त REST API की तरफ मौजूद हूँ। तो कोशिश हमने ये करनी है कि हम सॉकेट को कम से कम इन्वॉल्व करें, जहाँ पे ज़रूरत हो जस्ट हम वहाँ पे इन्वॉल्व करें। अच्छा, तो क्या ऐसा करना सही है, ऐसा करना सही नहीं है, ऐसा करना गलत है। ठीक है, असूलन मुझे ये करना चाहिए, देखो कभी भी हम फ्रंट एंड पे रहते हैं ना जब, तो हमें सर्वर की रिसोर्सेज को कम से कम कैसे यूज़ करना है वो भी देखना पड़ता है।
ठीक है, सर्वर पे भी हम कुछ ऐसे इकदाम करते हैं कि सर्वर की रिसोर्सेज कम से कम यूज़ हो, क्योंकि सर्वर एक ऐसी जगह होती है बहुत सारे यूज़र एक साथ उसको रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। फ्रंट एंड पे ऑन अदर एंड इतना मसला नहीं होता, आप 10 स्टेट भी बना दें बिला वजह की, स्टेट भी अगर बना दें तो इतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होता वो। लेकिन सर्वर पर एक वेरिएबल एक्स्ट्रा, इसका मतलब है कि 1 मिलियन यूज़र है तो 1 मिलियन एक्स्ट्रा वेरिएबल, ठीक है। तो हमेशा मुझे इस चीज़ का ख्याल रखना था। तो गेट मैसेज में क्या होगा, हमेशा सारे के सारे मैसेजेस गेट होंगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सही नहीं है कि एक मैसेज सेंड होता है और पूरा का पूरा मैसेज मैं मंगवाता हूँ। तो ये मैं कर सकता हूँ ईजी रखने के लिए चीज़ को, या मैं अगर नहीं इस पर टाइम लगाना चाह रहा तो मैं ये कर सकता हूँ, बट दिस अप्रोच इज़ नॉट गुड, सही है। अच्छा, जब मैं इसको रोक दूंगा तो फिर क्या होगा कि यहाँ से मैं जो भी मैसेज करता रहूँ, यहाँ से इसको भी रिफ्रेश कर लेता हूँ, मैं दूसरी पार्टी को भी रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि मैसेजेस चेंज वो हो जाए, अपडेटेड चीज़ आ जाए, ठीक है। दोनों का कॉन्सोल क्लियर किया। अब मैंने यहाँ पे से किया भाई आफ्टर चेंज और एंटर, ये मैंने एक मैसेज भेजा यहाँ से आफ्टर चेंज, जो कि यहाँ से तो चला गया, शो हो गया मुझे चला गया, लेकिन यहाँ पर वो पहुँचा नहीं है मेरे पास, ठीक है। बट मुझे सॉकेट से ये डेटा मिला हुआ है यहाँ पर कॉन्सोल पर, क्योंकि प्रिंट था वो तो मिला हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो मुझे वो आफ्टर चेंज यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, आफ्टर चेंज मिल गया। अच्छा, तो अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे से भी गेट ऑल मैसेज ख़त्म करना है भेजते हुए, और रिट्रीव करते हुए भी मैंने ऑल मैसेज कोशिश करना है कि मैं ख़त्म कर दूँ किसी तरह, ठीक है। तो अब हम आते हैं, अब चैट स्क्रीन पे अपना कोडम लिखना शुरू करते हैं। अच्छा, इस डेटा के अंदर अगर यहाँ पे मैं आऊँ और देखूँ तो इस डेटा के अंदर मुझे क्या मिलता है, इस डेटा के अंदर मुझे क्रिएटेड ऑन फ्रॉम टेक्स्ट और टू अलगर्ज, ये पूरा का पूरा वो ऑब्जेक्ट है जो मुझे एरे में मिल रहा होता है ना, मैंने एज इट इज़ यहाँ पे भेजा है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को उठा के अगर मैं एरे में पुश करवा दूँ तो मेरा मसला हल हो जाएगा, ठीक है। वो क्या था, मेरे स्टेट का नाम कॉन्वर्जेशन नाम था इसका। अच्छा, कॉन्वर्जेशन में मुझे इसको शुरू में ऐड करवाना है, राइट, ये लास्ट में करवाना है। कैसे मैंने मैप किया इसको, अपोजिट मैप तो नहीं किया हुआ, मैप डॉट लेंथ, मैप डॉट लेंथ, चलो अभी करके देखते हैं कि कौन से वाले पे आता है वो, ठीक है। तो मैंने कहा भाई सेट कॉन्वर्जेशन, और सेट कॉन्वर्जेशन मैं कैसे करूँगा, प्रीवियस जो भी डेटा था वो लगाऊँगा यहाँ पे, कैसे लगाते हैं, ऐसे करके लगाते हैं ना। मैंने कहा कि भाई कॉन्वर्जेशन जो भी था पहले वो कॉमा, और अभी वाला डेटा उसके बाद, सही है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। अब इससे क्या होगा, लास्ट में ये पुश हो रहा होगा, ठीक है, तो लास्ट में पुश हो रहा है ये। अच्छा, यही सेम काम मैंने क्या पे करना है, जहाँ पे मैसेज सेंड करता हूँ मैंने वहाँ पे भी करना है, तो वहाँ पे भी करते हैं अभी, लेकिन ज़रा पहले यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो मैंने दोनों पार्टीज़ को रिफ़्रेश किया, और अब मैं इस पार्टी से उसको मैसेज भेजता हूँ। मैंने कहा कि ABC और 3 दफ़ा ए भी लगा दिया आखिर में, ठीक है, एक नया मैसेज भेजा। अच्छा, ये क्या हुआ, कन्वर्जेशन इज नॉट आइटरेबल, ये इसने क्या एरर दे दिया, कन्वर्जेशन जो था वो एरे था ना, कन्वर्जेशन एरे था ना यार, हाँ, डेटा रिस्पॉन्स डॉट डेटा एरे तो था ही। नहीं, मैं डायरेक्ट भेज रहा हूँ वहाँ से, इसलिए नहीं लगेगा इसको। मैंने रिस्पॉन्स डॉट डेटा को जहाँ पे कॉन्सोल करवाया है तो ये सही तो है, एरे आता है इस पर, तो इसने ये ऐसा क्यों बोल दिया कि आइटरेबल नहीं है, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की क्या, सेट कॉन्वर्जेशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही है दोनों, सही तो किया मैंने बिल्कुल, किसी को कोई गड़बड़ नज़र आ रही है इसमें, एक काम मैं और भी कर सकता हूँ कि हाथ से इसको उठा के डाल दूँ तीनों वैल्यूज को यहाँ पर, ठीक है। मे बी वो जो वहाँ से सॉकेट से मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना, वो समटाइम सर्कुलर ऑब्जेक्ट वगैरह टाइप की चीज़ होती है तो उससे भी गड़बड़ होती है। अरे भाई क्या कर दिया ये मैंने इसके साथ, hmm.
सही है, कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट है ना ये, तो मैं काम करता हूँ थोड़ी देर के लिए इसको हार्ड कोडेड यहाँ पे ज़रा पुश करके देखता हूँ कि कोई भी मैसेज आए तो हार्ड कोडेड मैंने इस तरह का डेटा इसमें डाल देना है। दोनों पार्टीज़ को रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ये ऐसा क्यों बोल रहा है, कॉन्वर्जेशन इज नॉट आइटरेबल। इस कॉन्वर्जेशन को जरा यहाँ पे प्रिंट करवा के देख लेते हैं अभी, और क्या करेंगे हम। कॉन्वर्जेशन को प्रिंट करवा लेते हैं और टाइप ऑफ कॉन्वर्जेशन को, ताकि हमें एग्जैक्टली पता चल जाए। ठीक है, उसके अलावा कॉन्वर्जेशन की लेंथ को हम प्रिंट करवा लेते हैं। यही चीज़ें होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो है ना वो ये एक एरे है या नहीं है, है ना। यहाँ से मैंने अब क्यू क्यू भेजा बहुत सारा, एंटर। ओके, नल, व्हाई इज दैट? ये नल कैसे मिल जाता है भाई शुरू सर, नल तो शुरू में जो आपने सेट करवाया है। एक मिनट, मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये प्रिंट हो गया। तो अब तो डेटा है इसके अंदर, अभी तो डेटा है इसके अंदर। अब मैं यहाँ से आता हूँ और एक नया मैसेज यहाँ से भेजता हूँ, और एक नया मैसेज भेजता हूँ जैसे ही। तो ये कन्वर्जेशन जब प्रिंट होता है तो नल प्रिंट होता है, और कन्वर्जेशन टाइप इसकी ऑब्जेक्ट आ जाती है। हाँ सर, ये नल की टाइप ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, ये नल कैसे आ रहा है यार, ये क्या बकवास है। ओके गॉट इट, ये मुझे समझ आ गया क्या चक्कर है, ये मुझे समझ आ गया क्या चक्कर है ये। बल्कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझ भी लो भाई। सीन्स कुछ ऐसे हैं इसके कि फंक्शन कॉल के अंदर ना स्टेट इनिशियल जो सेट होती है ना, जब वो फंक्शन सेट होता है तो वो एज अ वेरिएबल पास होती है। सही है, तो इसमें ना ये कॉन्वर्जेशन मुझे कभी भी नहीं मिलेगा। कॉन्वर्जेशन जो शुरू में सेट हुआ था ना, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने कहा सॉकेट डॉट ऑन, और एक ये कोई क्राइटेरिया बताया कुछ। अब ऑन क्या करेगा कैसे करेगा वो एक डिफरेंट कहानी है, लेकिन ये ऑन जो है ना कभी जब भी कुछ होगा तो इस फंक्शन को इसने चलाना है, तो ये मैंने कॉल बैक पास किया सर में। ये जब मैंने कॉल बैक बनाया ना, तो इसमें सेट कॉन्वर्जेशन या कॉन्वर्जेशन या जो भी मैं स्टेट का नाम लिखूंगा, तो वो ये फंक्शन बनते हुए ना जो भी वैल्यू थी उस वक्त स्टेट में, वो इसने एज अ वेरिएबल पास कर दी, वो अब अपडेट नहीं होगी। वेरी स्टेट भले अपडेट होता रहे, इसमें वो फिक्स हो गई है, तो जब भी वो नल मिल रहा है। सही है, तो इस चीज़ को समझ लो कि कभी भी कॉल बैक के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर स्टेट की वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, स्टेट की वैल्यू पुरानी मिलेगी या इनिशियल मिलेगी। अब इसका हल क्या है, एरो फंक्शन करके बनाना पड़ेगा। सही है, इसको मुझे हमेशा एरो फंक्शन करके बनाना पड़ेगा जब भी मुझे ये मिलेगा। अच्छा, एरो फंक्शन क्या करता है, एसिंक्रोनस होता है और उसमें कॉल बैक होता है। उस कॉल बैक के अंदर इन्होंने खुद का मैकेनिज्म तैयार किया हुआ है जिसमें आपको ना वो सही चीज़ मिल जाती है। तो मैं इंस्टेड ऑफ ऐसे करूँगा मैं सेट कन्वर्जेशन, हालांकि यार इतनी ऑब्वियस चीज़ है, चलो सही है, इसी बहाने तुम्हें पता चल गया। मैंने कहा भाई प्रीवियस वैल्यू और यहाँ पर, अब मैं इसके दरमियान में जो भी मैंने क्राइटेरिया, ये इस प्रीवियस में ना मुझे हमेशा अप टू डेट मिलेगी, यानी जब ये हिट होगा तो उस वक्त जो वैल्यू होगी वो मुझे इस प्रीवियस में मिलेगी। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सेम चीज़ करूँगा, मैं कहूँगा कि यार रिटर्न, इससे मैं एक नई वैल्यू रिटर्न करूँगा, वो सेट हो जाएगा। नई वैल्यू मैंने एक एरे रिटर्न करना है, डॉट डॉट डॉट, प्रीवियस में एक एरे था उसको रखा मैंने, और कॉमा डाल के इसमें जो डेटा अभी मुझे मिला है वो रखवा दिया मैंने, दैट्स इट। सही है, ये तरीका मैंने यहाँ से हटा दिया।
अच्छा, क्योंकि ये सिंगल लाइन है तो इसमें से रिटर्न हटा भी सकता हूँ मैं। सही है, ये रिटर्न हटा के मैं इसको सिंगल लाइन में कर दूंगा तो ये सेट हो जाएगा। सही है, आपको पता है एरो फंक्शन के अंदर अगर सिंगल लाइन में लिखी भी हो कोई चीज़ तो उसको रिटर्न के कीवर्ड की ज़रूरत नहीं होती, वो उसको समझ जाता है कि अच्छा यार ये रिटर्न वैल्यू है इसकी। तो ये काइंड ऑफ एक लाइन में ही ये काम भी हुआ है, लेकिन इसमें प्रीवियस की वैल्यू मुझे अप टू डेट मिलेगी। सही है, फाइनली आते हैं हम अब यहाँ पे, और मैं कहता हूँ कि यहाँ से आर 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 बहुत सारे भेजा मैंने। सही है, और यहाँ पर गया मुझे तो लास्ट में एंड हो गया आर आर। सही है, इसका मतलब है मुझे क्या करना था, मुझे इसको पहले लगाना था। ठीक हो गया, इसको मुझे पहले लगाना है। असल में वो इस वजह से आता है कि डेटाबेस से जब मैं सॉर्ट करके मंगाता हूँ ना तो वो अपोजिट होके आता है तो वो सही रहता है, लेकिन ये क्योंकि मैं लोकली कर रहा हूँ तो मुझे शुरू में ऐड कराना होगा। सही है, शुरू में करूँगा मैं तो ये मसला मेरा सेट हो जाएगा। सही है, अब यहाँ से मैं भेजता हूँ वाई वाई सेंड, यहाँ से वाई चला गया और यहाँ पे मुझे वाई नहीं रिसीव हुआ, ये क्या सीन है यार। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी, अच्छा वो लेंथ जो मैंने लगाया हुआ ना कॉन्सोल पे ऊपर, इसको इसकी ज़रूरत नहीं है ना, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं ऊपर मैंने वो चेक करने के लिए लेंथ लगाया था ना, उस लेंथ पे वो गड़बड़ हो रही थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो लेंथ क्या चीज़ है, उस पर वो एरर थ्रो कर रहा था। ठीक है, अब मैंने यहाँ से भेजा जेड जेड, यहाँ से आ गया और यहाँ पर जेड जेड रिसीव हो गया। अच्छा एक प्रॉब्लम हो रही है इसमें, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये हो रही है कि वो इस वाले तरफ के मैसेज के तौर पे कर रहा है वो उसको ट्रीट में। अच्छा तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे ये करना होगा। हाँ सही है, फ्रॉम के अंदर इसमें जो है ना वो इसकी खुद की आईडिया आ रही है क्या, फ्रॉम में 219 है ना, जो प्राइवेट चैट विद प्राइवेट कर रहा हूँ इसकी आईडी 219 है लास्ट में, तो इसमें 2219। अच्छा तो मुझे 2 को फ्रॉम बनाना पड़ेगा और फ्रॉम को 2 बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, और मोस्ट प्रॉब्ली शायद मैं ये सर्वर से ही करके भेजूँ तो बेहतर है, लेकिन चलो फ्रंट एंड पे कर लेते हैं। यहाँ पे जब मैं इसको सेट करवाऊँगा इस डेटा को, तो इसका फ्रॉम को 2 और 2 को फ्रॉम करना पड़ेगा, जब भी सामने वाले के पास पहुँचेगा तो उसको लगेगा कि यार मेरा मैसेज आया है। ठीक है, तो कर लेते हैं ये काम। मैंने कहा कि डेटा डॉट फ्रॉम इक्वल्स टू डेटा डॉट टू, फ्रॉम को मैंने 2 कर दिया, लेकिन उससे फ्रॉम क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, ओके एक मिनट, इसका क्या हल निकाला जाए। अच्छा 219 मेरा अपोनेंट है, तो यहाँ पे मुझे 219 जो है वो इसमें मिलता है, तो मैं 2 को उठा के फ्रॉम में डालूँगा और फ्रॉम में खुद की आईडी लिखवा दूँगा। सही है, और मैं कहूँगा डेटा डॉट फ्रॉम इक्वल्स टू जो भी यहाँ पे आईडी इस वक्त मौजूद है, क्या नाम है उसका आईडी। अच्छा ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट बिल्कुल कर तो सकते हैं, मतलब एक तरफ आप ऑब्जेक्ट रखें। हाँ नहीं, वो ऑब्जेक्ट में एज इट इज नहीं जाएगा, वो पुराना ऑब्जेक्ट पूरा रिप्लेस मारेगा। यार ये मैंने कर तो दिया लेकिन उसके बावजूद ही नहीं हुआ। डेटा डॉट फ्रॉम इक्वल्स टू डेटा डॉट टू कर तो दिया मैंने ये काम, डेटा डॉट फ्रॉम इक्वल्स टू डेटा डॉट टू, टू में यही लिखा हुआ स्पेलिंग टू में। अरे दोनों में मैंने यहाँ फ्रॉम लिख दिया, इसमें टू होगा ना, जब ही तो वो वापस पहले जैसा हो जा रहा है, वो वापस पहले जैसा हो जा रहा था। हाँ सही कहा तुमने, यही मिस्टेक थी। दोनों को रिफ्रेश किया मैंने, अब यहाँ से मैं भेजता हूँ TY TY। ठीक है, टाई टाई टाई। अरे यार यहाँ पे अभी भी यही हो रहा है, क्या चक्कर है इसका।
data dot from equals to data dot to. यार काम करते हैं अलग से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सही है, एक अलग से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट न्यू मैसेज इक्वल्स टू, सही है, ऐसे करके नया बनाते हैं और मैसेज में जो चार चीज़ें होती हैं वो हम ला के रखते हैं यहाँ पर। एक मैसेज के अंदर जो चार चीज़ें होती हैं ना, क्रिएटेड ऑन, फ्रॉम और टू और आईडी भी। तो यार ये इसके साथ मसला है। ओके गॉट इट। असल में वो फ्रॉम और टू जो है ना वो पूरे पूरे ऑब्जेक्ट थे, ये भी मेरे जहन से निकल गया था कि वो फ्रॉम और टू ना जस्ट प्लेन आईडी नहीं है, ये फ्रॉम और टू तो पूरे पूरे ऑब्जेक्ट थे ना, ये तो ये सिंपल प्लेन आईडी नहीं थी, मैं तो प्लेन आईडी के तौर पर ट्रीट कर रहा था उसको, ये भी जहन से मेरे बिल्कुल ही निकली हुई थी ये बात। ये फ्रॉम और टू जो थे ये पूरे पूरे ऑब्जेक्ट हुआ करते थे ये, सही है। तो अभी मैंने एक नया मैसेज क्रिएट कर लिया है फॉर बेटर विजिबिलिटी, रीडेबिलिटी के लिए। अच्छा तो मैं अब क्या करूँगा, इसमें डेटा से ना ऐसे एक एक करके चीज़ निकालूंगा, मैं कहूँगा डेटा डॉट और क्रिएटेड ऑन, सही है, ये तो मुझे सेम रखनी है वैल्यू इसमें। अच्छा अब फ्रॉम के अंदर मैंने टू वाली चीज़ रखवानी है, तो फ्रॉम में मैं रखवाऊँगा डेटा डॉट टू, ये रखवाऊँगा मैं, ठीक है, और टू में रखवाऊँगा मैं डेटा डॉट फ्रॉम और आईडी मुझे सेम रखनी है, तो मैंने कहा कि भाई डेटा डॉट अंडरस्कोर आईडी ये सेम रखनी है मैंने, और टेक्स्ट भी मैंने सेम रखना है डॉट टेक्स्ट, सही है। मैंने ये पूरा ऑब्जेक्ट नए सिरे से बना लिया न्यू मैसेज के नाम से, और अब इसको मैं डेटा नहीं रखूँगा, मैं न्यू मैसेज रखूँगा इसमें, यानी जो ओरिजिनल डेटा आया था उसको नहीं छेड़ा मैंने, एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया और उस नए ऑब्जेक्ट में मैंने फ्रॉम को और टू को स्वैप करवा दिया, सही है। सबसे पहले आईडी है, उसके बाद मेरा टेक्स्ट है, क्रिएटेड ऑन को मैंने लास्ट में किया है, और यहाँ पे अगर फ्रॉम की जगह टू और टू की जगह पे मैंने फ्रॉम, ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट थे दोनों असल में, मैंने क्या किया था एक को यानी टू वाले को मैंने ये वाली आईडी उठाकर दे दी थी जो मैंने यूआरएल से उठाता था जो कि प्लेन टेक्स्ट था, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं था, जब भी वो काम नहीं कर रहा था, अब होपफुली उसको काम कर लेना चाहिए। सही है, अब मैं यहाँ से मैसेज भेजूँगा टी बहुत सारे टी मैंने भेजे यहाँ से, अरे यार ये क्या बकवास है, अच्छा ये चक्कर पता है क्या है, ये चक्कर सर्वर से, असल में मैंने फ्रंट एंड पे जो एजम्पशन रखी हुई है वो एजम्पशन ये रखी कि वो ऑब्जेक्ट आएगा टू और फ्रॉम ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन आप देखें जब सॉकेट से डेटा आता है ना तो टू और फ्रॉम प्लेन टेक्स्ट आते हैं उसके अंदर, और इसका रीज़न मेन रीज़न इसका ये है कि जब सर्वर पे मैंने ये सॉकेट का जहाँ से वो भेजाया हुआ ना मैसेज, यानी यहाँ पे मैंने जो सॉकेट का मैसेज भिजवाया हुआ ये कौन सा मैसेज है, जब मैं डेटा सेव करवाता हूँ ना डेटा बेस में तो इससे एक मुझे एक रिटर्न मिलती है एक चीज़ की, यार ये जो चीज़ है ना सेव हो गई है और मैंने उसको एज इट इज़ इमिट करवा दिया यहाँ से, ठीक है। ऑन अदर एंड उस तरफ मैं क्या करता हूँ कि पॉपुलेट करके मंगवाता हूँ उसका जो आप कह लेंगे जो फ्रॉम और टू है ना उसको मैं पॉपुलेट करता हूँ दूसरे वाले केस में, तो वो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट बन के आता है। अब इसका क्या हल है यार, या तो मैं इसको यहाँ पे से दोबारा पॉपुलेट करूँ पूरे को, या तो मैं एक ऐसी API बनाऊँ जिससे सिंगल मैसेज में उठा कर लाऊँ डेटाबेस से, समझ आया मसला क्या है यहाँ पर,
मसला ये है कि जब मैं नॉर्मल मैसेजेस मंगवाता हूँ, नॉर्मल मैसेजेस भी यहाँ पे मंगवाने का बना हुआ होगा ना, गेट ऑल मैसेजेस, ये रहा। अब तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि क्वेरीज सेलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ भाई पॉपुलेट करो इन दो फील्ड्स को, फ्रॉम को और टू को, जबकि यहाँ पे मैं बगैर पॉपुलेट किए मंगवा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं बगैर पॉपुलेट किए मंगवा लेता हूँ। अब ये मेरे पास जो सेंट है ये मोंगो डॉक्यूमेंट है, अब मुझे यहाँ से जब तक मैं पॉपुलेट करके नहीं भेजूँगा फ्रंट एंड पे वो काम नहीं करेगा। या तो मैं फ्रंट एंड पे बजाए पॉपुलेशन वाली चीज़ को यूज़, लेकिन पॉपुलेट अगर नहीं करूँगा तो नाम नहीं दिखेगा, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे नाम भी चाहिए ना मैसेज के साथ, ये तो मुझे नाम भी चाहिए मैसेज के साथ, तो मुझे पॉपुलेट करना ही पड़ेगा यहाँ पर। नहीं नहीं हर मैसेज के साथ भी तो नाम चाहिए ना, हमने लिखा हुआ है, किया हुआ ऑलरेडी। अब इसको चेंज करने के लिए पीछे का पूरा हमें कोड चेंज करना पड़ेगा जो ऑलरेडी लिख चुके हैं, और हर मैसेज के वो ऊपर वाला हमने वैसे ही लिखा हुआ है, वो हटेगा, हर मैसेज के साथ जो नाम है वो रहेगा फिलहाल का, जो हमारा जो यूज़ केस है, जो टीम में चैट वगैरह होती है उसमें तो ये ज़रूरी होता है। वन टू वन में आमतौर पर नहीं होता, व्हाट्सएप से इन्होंने हटा दिया था पिछले दिनों, लेकिन अभी आप देखें वो गोल फोटो लेकर आ गए हैं उसकी जगह, ये वापस लाना पड़ा, क्योंकि ना समटाइम दो मैसेजेस होते हैं तो बंदा नहीं समझ पाता कि कौन सा वाला मेरा मैसेज है, समझ लो। तो इसलिए जो है ना एक के साथ इन्होंने वो गोल सा वो बना दिया ग्रुप्स वगैरह के अंदर। और अच्छा तो फिर हम एक काम करते हैं, यहीं पे इसकी क्वेरी मारते हैं, सही है, हमें इसकी आईडी तो पता है इस मैसेज की, तो हम क्या करते हैं जल्दी से इस मैसेज को मंगवाते हैं वापस और फिर पॉपुलेट करवा के भेजते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई मैसेज मॉडल डॉट फाइंड बाई आईडी, है ना, और इसकी जो सेंट करके मुझे मिला है ये, मैं कहता हूँ भाई सेंट डॉट अंडर स्कोर आईडी ना, इसी को आप लेकर आओ, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि यार कॉन्स्ट सेंट मैसेज, ऐसे करके बोलता हूँ मैं इसको, ठीक है। अच्छा अब मैं इसमें क्या करूँगा, वो पॉपुलेट वगैरह भी लगवा दूँगा जो मैंने दूसरे में, वो पॉपुलेट वाली सारी चीज़ें मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने पॉपुलेट दोनों पर लगाया था इसके, तो ये मैंने पॉपुलेट इस पे भी लगा देना है। ठीक है फाइंड बाय आईडी डॉट पॉपुलेट फ्रॉम डॉट पॉपुलेट टू, और पॉपुलेटेड मैसेज इसको मैं लिख देता हूँ, इसको ये नाम दे देता हूँ पॉपुलेटेड मैसेज। अच्छा मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं ये जो मैंने डेटा अभी अभी सेव किया है ना, इसके ऊपर भी मैं जो सेंट मिला है मुझे इस पर भी डॉट पॉपुलेट डायरेक्ट मैं लगा सकता था, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, क्योंकि ये ना क्वेरी नहीं है ये डॉक्यूमेंट है, तो इस डॉक्यूमेंट पर शायद मैं डॉट पॉपुलेट डायरेक्ट लगा पाऊँ। हाँ लगाने का ऑप्शन तो मुझे ये दे रहा है, उस पर डॉट एग्जी मुझे फिर कॉल करना पड़ेगा कि भाई पॉपुलेट मारो, बल्कि इसी पर ही लगाते हैं यार, चलो ये भी सीख जाएंगे। सर मैं टाइम हमारे पास शॉर्ट है ना यार, इसलिए एक्सपेरिमेंटल चीज़ें नहीं कर सकते, जो मैंने पहले की हुई है वही करते हैं। अच्छा तो मैंने कहा भाई ये मैसेज मॉडल करो डॉट फाइंड वन करो, अभी अभी जो मैसेज भेजा है उसकी आईडी मैंने पास की, मैंने कहा भाई पॉपुलेट करो और डॉट एग्जीक्यूट कर दो इसको, सही है। और पॉपुलेटेड मैसेज के बाद मुझे यहाँ पर वेट लगा देना है, और पॉपुलेटेड मैसेज जब मुझे मिलेगा तो फिर मैंने क्या करना है उसको ऐसे करके फिर भेजना है मैंने, अब मेरा जो वो लॉजिक है ना वो बिल्कुल सेंड हो जाएगा। आते हैं अगर अब देखते हैं इसको, इसको भी रिफ्रेश किया मैंने, और अब मुझे जो सॉकेट से जो मैसेज मिलता है ना ये वाला, उसमें ये प्लेन आईडी नहीं मिलनी चाहिए मुझे, दिस प्लेन आईडी इज़ द प्रॉब्लम। सही है जी, अब मैं यहाँ से क्या मैसेज भेजता हूँ, मैं यहाँ से भेजता हूँ आर बहुत सारे एंटर, आर भेजे मैंने यहाँ से। अच्छा अब यहाँ पे मुझे जो चीज़ मिली है अब तो ये बिल्कुल सही मिला है मुझे, ठीक है, पूरा ऑब्जेक्ट इसमें भी मिला है और टू में भी पूरा ऑब्जेक्ट मिला है मुझे। अच्छा ये मैंने जो है वो क्या किया था, स्वैप करवाया था इसको, तो ये स्वैप हुआ है क्या। अच्छा ये मैसेज जो किसकी तरफ से आया है, ये मैसेज आया है इसकी तरफ से आया है इंजमाम, बट ये स्वैप नहीं हुआ है, यहाँ पर स्वैप की लॉजिक मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या दोबारा। मैंने कहा न्यू मैसेज आईडी और
टेक्स्ट जो टेक्स्ट है फ्रॉम के अंदर टू है, ओके गॉट इट। ये मुझे स्वैप कराने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि फ्रॉम में तो बात लिखी हुई वो सही लिखी हुई है, हाँ ना। स्वैप मैंने क्यों करवाया था, स्वैप असल में मैं समझ नहीं पाया था कि प्रॉब्लम क्या है, इसलिए मैंने स्वैप करवा दिया था। तो ये स्वैप कराने की तो ज़रूरत ही नहीं है मुझे इन द फर्स्ट प्लेस, ये तो डेटा ही रहेगा। प्रॉब्लम देर से हमें समझ आई थी कि प्रॉब्लम है क्या। वेल बिल्कुल सेट हो गया। तो असल प्रॉब्लम क्या थी कि वो पॉपुलेटेड नहीं था, फ्रॉम टू तो सही था अपनी जगह। मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये दो विंडोज़ हैं, एक में मैसेज भेज रहा है इंजमाम, तो फ्रॉम में इंजमाम अपना नाम लिख के भेज रहा है, तो यहाँ जब वो पहुँचेगा तो फ्रॉम में इंजमाम का ही नाम रहेगा ना, तो फ्रॉम इंजमाम का मतलब है कि सामने वाला, तो उसको मुझे स्वैप करने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन वो असल में क्या देख रहा था, उसके अंदर डॉट करके डॉट ईमेल मैच कर रहा था कि ये ईमेल मेरी ईमेल है या नहीं है, और वो उसको मैच नहीं हो रही थी, तो इसलिए वो उसको सामने वाले की साइड पर डाल रहा था कि जब मेरा नहीं है तो सामने वाले का होगा, हमने एल्स पे कुछ रखा नहीं था। तो मुझे स्वैप कराने की एक्चुअली ज़रूरत उसको नहीं थी। ठीक है, बहुत लंबी हुई है वो बिला वजह में होगी। ठीक है, कोड इज़ स्टिल सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब अगला काम मैंने क्या करना है इसके ऊपर, अगला काम मैंने ये करना है सॉकेट से रिलेटेड है अब ये भी, कि अब रियल टाइम में, अच्छा यहाँ से भी मैं मैसेज भेज के देख लेता हूँ कि भाई जो प्राइवेट वाला अगर मैसेज भेजता है यहाँ से कुछ, तो वो इंजमाम के पास रियल टाइम में पहुँच रहा है, हाँ पहुँच रहा है, क्योंकि जब यहाँ हो गया तो वहाँ पे भी, वाइस वर्सा वहाँ पे भी हो गया। अब अगर मैं होम पे मौजूद हूँ, यानी इंजमाम जो यूज़र है वो होम पे मौजूद है, ठीक है, और यहाँ से उसको कोई मैसेज भेजा जाता है यहाँ से, ठीक है, प्राइवेट ने ये एक मैसेज लिखा और ये इंजमाम को भेजा, तो यहाँ से तो ये सेंड हो गया, लेकिन यहाँ पे इंजमाम को ये बात कैसे पता चलेगी कि मैसेज आया है, सही है। इसके लिए क्या किया जाता है आमतौर पर, इसके लिए नोटिफिकेशन तो चलो पुश मैकेनिज्म एक है कि ऐप बिल्कुल बंद हो जब भेजा जाता है। अच्छा, हमारे पास PWA बना हुआ है, ये PWA में आपको पता है नोटिफिकेशन आप भेज सकते हैं, ठीक है। PWA में नोटिफिकेशन आप किस तरह भेजते हैं, डिवाइस की ID आपको मिलती है, वो आप डेटाबेस में एक दफ़ा सेव करवा लेते हैं, और उसके बाद आप फायरबेस मैसेजिंग या इस तरह की जो सर्विसेज हैं जो पुश नोटिफिकेशन देती हैं, उसके ज़रिए आप जब नोटिफिकेशन भेजते हैं तो वो खुद ही पहुंच जाता है, मतलब रिगार्डलेस कि वो मोबाइल डिवाइस है या ब्राउज़र है, उस पर वो पहुंच जाता है नोटिफिकेशन। तो एक तो वो आप काम कर सकते हैं कि आप नोटिफिकेशन भेजें, और फिर उसमें नोटिफिकेशन का डीप लिंक होता है। अच्छा, डीप लिंक का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा लिंक, यानी मिसाल के तौर पे अगर ये राफे खान पे मैं क्लिक करता हूँ ना, तो एक ऐसा लिंक होता है, इसको कहते हैं डीप लिंक। तो जब ये लिंक खुलेगा ना, तो डायरेक्ट मैं राफे की चैट पे पहुँचूँगा ना, अगर वो सिंगल पेज ऐप बनी हुई है तो वो डीप लिंक उसके अंदर होता है, नोटिफिकेशन में दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होता। क्लिक करता हूँ मैं, डायरेक्ट मुझे वहाँ पहुँचा देता है। अच्छा, वेब में इसको हम URL कहते हैं, मोबाइल ऐप में इसको हम डीप लिंक कहते हैं, ठीक है। मोबाइल ऐप में डीप लिंक ये होता है कि भाई मोबाइल ऐप खोलो, फला स्क्रीन पे जाओ, फला स्क्रीन के फला पार्ट पे ले आके खड़ा कर दो उसको, उसको डीप लिंक कहते हैं, ठीक है, नेटिव मोबाइल ऐप के अंदर। तो अच्छा, अब मुझे काम ये करना है कि यहाँ पे जो है ना, इस कंपोनेंट पे जब मैं खड़ा हुआ होऊंगा, तो मुझे एक चैनल पे सब्सक्राइब करना है, एक ऐसे चैनल पे कि मुझे कोई भी मैसेज भेजे तो मुझे मैसेज यहाँ पे मिल जाए, सही है, कोई भी मुझे मैसेज भेज तो यहाँ पे मिल जाए। अच्छा, तो मैं आ जाता हूँ, और मैं क्या लिखूँगा कि भाई मेरी आईडी जस्ट हो उसके ऊपर, कौन सा था ये चैट स्क्रीन थे, क्या था उसका नाम, इस कंपोनेंट का नाम क्या रखा हुआ था हमने यार, userlist.jsx, सही है, userlist.jsx इसका नाम रखा हुआ था। अच्छा, तो यूज़र लिस्ट के ऊपर भी मुझे एक अदद सॉकेट कनेक्शन बनाना होगा, तो मैं ये पूरा का पूरा यूज़ इफेक्ट यहाँ से क्या कर लेता हूँ, उठा लेता हूँ, है ना, ये यूज़ इफेक्ट है ना पूरा, जो सॉकेट जिसके ऊपर बना हुआ है पूरा का पूरा, तो ये यूज़ इफेक्ट मैं लाता हूँ, और सही है, नाम चेंज किया मैंने, फ़र्क नहीं पड़ता उससे भाई, लेकिन रेलिवेंट नाम हो तो ज़्यादा बेहतर है, और मैं ला के ये यूज़ इफेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं पेस्ट करता हूँ तो ये सब्सक्रिप्शन जो हुई हुई है अभी तो वो उस हिसाब से हुई हुई है ना, अभी सब्सक्रिप्शन मैंने जस्ट चेंज करनी है, बाकी का कोड तो वो सेम रहेगा ऑब्वियसली। अच्छा सॉकेट रिक्वायर नहीं हुआ हुआ तो रिक्वायर भी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। आई ओ और ये मैंने आई ओ को यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया, ठीक हो गया। अच्छा और क्या चीज़ मैंने इम्पोर्ट करनी है, बस आई थिंक दैट्स इट। अच्छा तो अब यूज़र लिस्ट के ऊपर आके ये जो सॉकेट है, चलो ठीक है ये कनेक्ट हो गया सॉकेट, यहाँ पे ग्लोबल स्टेट इनिशियलाइज है, ठीक है। कनेक्ट के ऊपर कनेक्टेड बता दे, डिसकनेक्ट के ऊपर डिसकनेक्टेड, एरर के ऊपर एरर। अब सब्सक्राइब जो हमने करना है ना वो हमने किस पे करना है, एक ऐसे चैनल पे करना है कि जब भी कोई मुझे मैसेज भेजे ना तो मुझे पता चल जाए। अच्छा सर्वर से भी फिर मुझे एक सेटिंग इसकी करनी पड़ेगी, तो मैं कहता हूँ कि यार ना मेरी आईडी बस एक चैनल ऐसा होगा जो जस्ट जस्ट मेरी आईडी से रिलेटेड होगा, ठीक है। उसमें एग्जैक्ट मेरी आईडी जो होगी उस पर वो चैनल बना हुआ होगा, सही है। और मैं सब्सक्राइब टू भी ऐसे बोल देता हूँ कि भाई इस पर हो गया, या मैं ये बोल सकता हूँ पर्सनल चैनल डॉट डैश और मेरी आईडी, ठीक है। इस तरह कोई भी मैं नाम, बल्कि उसको मैं पर्सनल चैनल बोल ही देता हूँ, पर्सनल चैनल डैश, पर्सनल डैश चैनल और डैश मेरी आईडी। हाँ बोलो बोलो। एग्जैक्टली देख सकता है, अगर कोई जस्ट मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइब कर ले पर्सनल चैनल पे तो वो मेरी आईडी देख सकता है, हाँ मेरी आईडी, वो मेरी आईडी भी देख सकता है, मेरी सब चीज़ें देख सकता है। अभी हमने सॉकेट को सिक्योर नहीं किया, सही है, वो अभी अगला काम हमने वही करना है, ठीक है। वही काम करके हमने क्लास को कंप्लीट करना है, एक घंटा है हमारे पास, हम इजीली इंशाल्लाह कर लेंगे ये काम। अच्छा सॉकेट सिक्योर सेम उसी तरह होता है जिस तरह REST API सिक्योर होती है, तो कोई नई चीज़ नहीं होगी, वही JWT होगा, वही कुकीज़ होंगी, वही टोकन वेरीफाई हो रहा होगा। अच्छा तो ये हो गया, यहाँ से मैंने सब्सक्राइब कर लिया। अच्छा इस सब्सक्रिप्शन में जब मुझे डेटा मिले ना तो मैंने क्या करना है अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, तो अंदर की लॉजिक को मैं अभी फ़िलहाल मैं रोक देता हूँ। मैं जस्ट ये कॉन्सोल लगा देता हूँ कि जो भी मुझे डेटा मिले ना वो यहाँ पे कॉन्सोल हो जाए, और उसके साथ क्या लिखा हुआ जाए, सॉकेट पुश डेटा, ठीक है। यहाँ पे बस ये लिखा हुआ जाए कि सॉकेट ने पुश डेटा ये भेजा है मुझे, और डेटा यहाँ पे बस लिखा हुआ है। इस चैनल पे डेटा आने पे क्या काम हो वो मैंने अभी तक मेंशन नहीं किया है यहाँ पे। अच्छा अब मैं जाऊँगा मेरे सर्वर पे। अब सर्वर पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ना मैं दो इमिट करूँगा, बजाय एक इमिट करने के मैं दो इमिट करूँगा। ये वाला इमिट उस सूरत के लिए होगा कि अगर वो बंदा उस चैट वाली स्क्रीन पर मौजूद है, सही है। और एक दूसरा इमिट मैं करूँगा उस सूरत के लिए कि जब बंदा चैट की स्क्रीन पर मौजूद नहीं है, ठीक है। पर्सनल चैनल डैश टू कि जिसको भी भेजा जा रहा है उसकी आईडी, सही है ना। मतलब मेरे पास कोई मैसेज आएगा तो पर्सनल चैनल और मेरी आईडी के ऊपर ये लिखा होगा, और पॉपुलेटेड मैसेज मैं पूरा इस पर भेज सकता हूँ अगर चाहूँ तो, चाहूँ तो मैं जस्ट एक काउंटर भेज दूँ इसके ऊपर, ठीक है। अगर पॉपुलेटेड मैसेज करके पूरा मैं भेजता हूँ पूरा ऑब्जेक्ट, तो मैं फिर ये कर सकता हूँ कि इस स्क्रीन पे खड़े खड़े ना, देख क्या हो गया, यूज़ कॉन्टेक्स्ट कह रहा है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट इम्पोर्ट नहीं किया हुआ आपने, कर देते हैं इम्पोर्ट, अरे है तो सही, क्या एरर दे दिया इसने, अजीब साइट। लाइन नंबर 15 रिएक्ट हुक यूजेस कॉल्ड अ फंक्शन यूजर लिस्ट दैट इज नाइदर रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट और नॉर कस्टम हुक। ऐसे ही होता है, ये यूजर लिस्ट का एक बड़ा है ना कंपोनेंट है ना। ओह यस, सही कहा तुमने, सही कहा तुमने, इसी वजह से हो रहा था ये। अच्छा तो अगर तो मैं पूरा मैसेज भेजता हूँ उसके अंदर, तो फिर मुझे इस वाली स्क्रीन के ऊपर मैं पूरा पॉपअप दिखा सकता हूँ एक साइड से या ऊपर से टॉप से या नीचे से कि भाई ये मैसेज आया है, और उस पॉपअप के क्लिक पे मैं उसको डायरेक्ट उस स्क्रीन पे लेके चला जाऊँगा। नंबर दो काम मैंने क्या करना है, मैंने नंबर दो काम ये करना है कि जिसके ऊपर जिस
का मैसेज आता जाए उसके नाम के आगे मैं 1, 2, 3, 4 ऐसे लगाता जाऊँ, सही है, ये भी मैं कर सकता हूँ। अच्छा दूसरा ये कि चलो वो तो फौरी तौर पे हो जाएगा, लेकिन जब मैं स्क्रीन को रिफ़्रेश कर दूंगा तो फिर तो ये नहीं होगा, स्क्रीन रिफ़्रेश करने पे वो तो बैजेस जो है वो गायब हो जाएंगे, सही है। तो वो बैजेस को रखवाने के लिए मुझे फिर एक एडिशनल काम करना होगा कि जितने भी मैसेजेस जो मैसेज का मेरे स्कीमा है उसके अंदर मैं लगाऊंगा कि इज़ रीड, कि क्या इस मैसेज को रीड कर लिया गया है, ठीक है। इज़ रीड को मैं ट्रू फॉल्स वहाँ पे रखवाऊंगा, जो डबल टिक का जो फीचर है एक्चुअली वो रखवाऊंगा मैं, तो जब कोई भी मैसेज भेजा जाएगा तो उसमें रीड फॉल्स लगा हुआ होगा, ठीक है। और उस रीड फॉल्स के ऊपर मैं क्या करूँगा, उस कितने मैसेजेस ऐसे हैं जिनमें रीड फॉल्स हुआ हुआ है उसको देखते हुए क्या कहते हैं ये पता लगाऊंगा मैं कि कितने मैसेजेस बंदे के आए हैं। अच्छा तो क्या मैं इस स्क्रीन पे जब मैं इस स्क्रीन के ऊपर खड़ा होके जब मैं यूज़र की लिस्ट गेट करूंगा तो क्या मैं उन तमाम यूज़र के तमाम मैसेजेस गेट करूंगा ये देखने के लिए कि उनके कितने मैसेजेस अनरीड पड़े हुए हैं? नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यूज़र के स्कीमा के अंदर भी एक लगाना पड़ेगा कि अनरीड मैसेजेस काउंट, ऐसे करके लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैसेजेस के स्कीमा के अंदर भी लगाऊंगा मैं अनरीड का कि ट्रू या फॉल्स, और यूज़र के स्कीमा के अंदर भी मैं लगाऊंगा कि भाई तेरे अनरीड मैसेजेस कितने हैं। तो ये दो जगह पे मुझे लगाना होगा, और इन दोनों को मैं कब चेंज कब करूंगा, जैसे ही बंदा क्लिक करेगा, इस मिसाल के तौर पे मेरे पास राफे खान के नाम से 15 मैसेजेस मुझे लिखा हुआ रहा है कि भाई 15 मैसेजेस आए हैं, तो यूज़र के मॉडल में यानी यूज़र के ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा हुआ है 15 अनरीड मैसेजेस, और जब मैं अंदर जाऊंगा तो शुरू के जो 15 मैसेजेस होंगे उन हर मैसेज के अंदर अनरीड अनरीड लिखा हुआ है, उसमें मैं एक डॉट बना के दिखाऊंगा ग्रीन डॉट कि यार ये नए मैसेज है, इस तरह की कोई भी इंडिकेशन दूंगा मैं कि यार ये वाले मैसेजेस नए हैं। और जैसे ही स्क्रीन खुलेगी मेरे पास तो एक यूज़ इफेक्ट होगा जो चलेगा और वो उन तमाम मैसेजेस की आईडी लेकर जाएगा, सर्वर पे एक रिक्वेस्ट मारेगा कि मार्क ऑल मैसेजेस रीड, और उन तमाम मैसेजेस को अपडेट कर देगा कि भाई ये रीड हो चुके हैं। तो ये सारा काम हो रहा होगा एक चैट एप्लीकेशन के अंदर, एक चैट एप्लीकेशन जो कि दो स्क्रीन की होती है, कुछ भी नहीं होता ऐसा लगता है, सिंपल है बिल्कुल, तो इसमें बहुत कुछ चल रहा होता है इस तरह के अंदर। अच्छा ये सारी फंक्शनैलिटी हम अभी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन हम जस्ट ये कर पाएंगे कि कोई भी अगर मुझे मैसेज करता है ना तो इस स्क्रीन पे एक पॉपअप दिखा दूँ मैं जस्ट, सही है, इतना काम हम एटलीस्ट कर लेते हैं। तो अब मेरे सर्वर से जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सर्वर से मैं दो इमिट कर रहा हूँ, एक तो मैं कर रहा हूँ कि यार टू और फ्रॉम दोनों मिला के कर रहा हूँ, और एक मैं कर रहा हूँ जस्ट पर्सनल चैनल और टू करके। अच्छा तो क्या मुझे इस वाले में ये दोनों रखने की ज़रूरत है फ्रॉम और टू? इसका जवाब है हाँ। मैं ये भी कर सकता था कि एक ही पर्सनल चैनल बनाऊँ टू वाला कि कोई भी मुझे मैसेज करे मुझे मिले, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे चार लोग एक साथ मैसेज कर रहे हैं तो इसमें मुझे वो चारों मिल रहा होगा, बट इसमें मुझे एक वक्त में एक बंदे का ही मैसेज मिल रहा होगा, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं मैसेजेस की स्क्रीन पर हूँ यूज़र लिस्ट पे, तो मुझे हर बंदे का हर मैसेज दिख रहा हो, कोई भी आए पॉपअप दिखा दे मुझे वो, लेकिन जब मैं किसी खास बंदे के मैसेज पे चला जाऊँ तो ज़ाहिर है इसको अनसब्सक्राइब करके गया हूँ मैं, जब कंपोनेंट चेंज करता हूँ तो अनसब्सक्राइब हो जाता है उस कंपोनेंट पे जो जो लगा हुआ था हाथ से मैंने करवाया है, और फिर इस पे सिर्फ सब्सक्राइब कर लूँ ताकि इस पे मुझे कम नोटिफिकेशन आए। अच्छा स्टिल मैं इस वाले पेज पे जाने के बाद भी मैं इसको सब्सक्राइब रख सकता हूँ, क्योंकि आपने व्हाट्सएप पे नोट किया होगा आप किसी और से चैट कर रहे होते हैं तो भी क्या होता है, मिसाल के तौर पर मैं राफे से चैट कर रहा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, बट मुझे कोई दूसरा बंदा मैसेज करता है तो उसका भी चिड़िंग बचता है पीछे, तो ये भी कर सकता हूँ मैं कि दोनों पे मैं सब्सक्राइब रखूँ, लेकिन स्टिल एक्शंस मेरे चेंज हो जाएंगे, दो मेरे पास अलग अलग जगह पे जब ये चैनल सब्सक्राइब होंगे तो उसके एक्शंस अलग अलग होंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं करके आ रहा हूँ। तो अब मैं यूज़र लिस्ट के ऊपर जाता हूँ, और यूज़र लिस्ट के ऊपर जाके मैं क्या करता हूँ, जब भी ये मैसेज आता है तो इस मैसेज के आने पर एक पॉपअप दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा वो पॉपअप मैं कैसे दिखाऊँगा, वो पॉपअप मैं ऐसा दिखाऊँगा, वैसे तो उसके लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स वगैरह बने हुए हैं उसके ज़रिए मैं बिल्कुल दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं टॉप पे एक डिव बना दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और इस डिव के अंदर उसको डिस्प्ले कराने की कोशिश करूँगा कि जो भी मेरे पास मैसेज आया है, ठीक है। अच्छा ये काम मैं कैसे करूँगा,
ये काम मैं ऐसे करूँगा कि यहाँ पे मुझे एक स्टेट बनाना होगा नोटिफिकेशन के नाम से, तो जब जब मेरे पास आएगा मैं उसमें पुश करवाऊँगा एक्चुअली। सो यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशंस सही है, सेट नोटिफिकेशंस। अच्छा, शुरू में जो नोटिफिकेशंस हैं वो एम्प्टी एरे हैं, सही है, एक एम्प्टी एरे रख दिया मैंने उसको। अब ये जो नोटिफिकेशंस है ना, जब भी कुछ आता है मेरे पास, कौन से वाले पे, पर्सनल चैनल पे, तो मैं कहता हूँ कि यार आप क्या कर दो, सेट नोटिफिकेशंस पे जाके ना आप, अच्छा ये मुझे प्रीवियस करके करना पड़ेगा, जैसा कि हमने देखा है प्रीवियस करके मुझे ये करना होगा। मैं बोलूँगा कि यार प्रीवियस करके ना डॉट 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 प्रीवियस कॉमा और जो भी डेटा आया है वो, सही है, ये मैंने नोटिफिकेशन में पुश करवा दिया। तो जब भी मेरे पास कोई नया नोटिफिकेशन आएगा वो इसमें पुश हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो चीज़ पुश हुई है दैट इज़ अ ऑब्जेक्ट, सही है, एक पूरा ऑब्जेक्ट है वो। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इस नोटिफिकेशन को जो है ना मैं यहाँ पे मैप करा के मैं डिस्प्ले करवा दूँगा, तो जब नई नोटिफिकेशन आएंगे तो एक दो तीन चार ऐसे पूरी लिस्ट बन के वो साइड पर दिख रहा होगा मुझे, ठीक है। तो अच्छा, कहाँ गया वो मेरा, इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ इन चीज़ों को। हाँ, टोस्ट वगैरह बना के भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं टोस्ट नहीं बना रहा, फ़िलहाल मैं बहुत ही सिंपल जो है ना एक वो कर रहा हूँ। मैंने कहा नोटिफिकेशंस डॉट मैप, सही है, ईच नोटिफिकेशन, वो मैंने वो नहीं लगाया ब्रैकेट, सही है, ईच नोटिफिकेशन, और मैंने कहा कि भाई रिटर्न करना है आपने एक अदर डिव यहाँ से। अरे भाई क्या हो गया, सही है, और इसमें एक अदर की भी चाहिए होगी मुझे। अब की के लिए मैं क्या करूँगा, एक इंडेक्स ले लूँगा यहाँ से, सही है। अभी हमें बहुत ही सिंपल जो है ना नोटिफिकेशन में क्या करवाने लगा, यहाँ पे डिस्प्ले करवाने लगा। अच्छा, इसको मैं क्लास दे दूँगा, क्लास नेम नोटिफिकेशन आइटम, सही है, और इसको मैं दे दूँगा क्लास नेम नोटिफिकेशन व्यू, सही है, एक नोटिफिकेशन व्यू है और उसके अंदर नोटिफिकेशन आइटम है। या इसको मैं सिर्फ आइटम भी दूँगा ना तो मैं उसको टारगेट कर सकता हूँ बहुत इजीली, ठीक है, क्लास यानी नोटिफिकेशन व्यू के डॉट आइटम करके। अच्छा, इसमें मेरे पास तीन चीज़ें होंगी ऑब्वियसली, एक तो ये होगी कि किसने ये मैसेज भेजा है, उसका नाम होगा, तो मैं यहाँ पे एक डिव लगाता हूँ और इसमें यहाँ पे लगा देता हूँ कि ईच नोटिफिकेशन ईच मैसेज नोटिफिकेशन डॉट फ्रॉम डॉट फर्स्ट नेम, सही है, लास्ट नेम भी मुझे लगाना चाहिए ऑब्वियसली इसमें, लेकिन चलो सिर्फ फर्स्ट नेम ही रखते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। अच्छा, उसके बाद मुझे वो कितनी देर पहले भेजा है उसका तो शायद लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, अभी भेजा जब ही अभी आ रहा है, सही है, वो लगाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और एक लाइन का टेक्स्ट शायद मैं दिखा पाऊँ ग्लिम्स उसको ना, तो मैंने यहाँ पर कहा कि भाई ईच नोटिफिकेशन डॉट टेक्स्ट जो है ना, अच्छा टेक्स्ट जो लंबा भी हो सकता है, तो मैं डॉट क्या करूँगा, स्लाइस करूँगा इसको, और मैं कहूँगा कि यार ज़ीरो से उठाओ, ठीक है, और कितने कैरेक्टर दिखा दो, 100 कैरेक्टर दिखा दो, 100 कैरेक्टर अगर ज़्यादा लगा तो हम कम कर देंगे फिर, सही है, 100 कैरेक्टर ज़्यादा हुआ तो हम कम कर देंगे। तो नाम मैंने दिखा दिया और मैंने ये दिखा दिया, और क्या दिखाते हैं हम नोटिफिकेशन में, नहीं नहीं काउंटर नहीं, ये तो पूरा बार आ रहा होगा ना, पूरा नाम और मैसेज पूरा आ रहा होगा, क्लिक करेगा बंदा तो उस पेज पे चला जाएगा। हाँ, ये अभी हम इसको बनाते हैं कि ऑन क्लिक क्या करना है उसके ऊपर। ऑन क्लिक पे हमें पता है ना कि ये फ्रॉम कौन आया है बंदा, तो फ्रॉम की आईडी देनी है जस्ट, हमें उस पर पेज पे भेजेंगे वहाँ पहुँच जाएगा बंदा, ये सही हो गया। अच्छा, और यही सेम काम मैंने वहाँ पर भी करना है, क्या कहते हैं, चैट स्क्रीन पे भी करना है। तो
तो शायद मेरा ये नोटिफिकेशन वाला आइटम ना इधर नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए ऐप डॉट जी एस में, क्योंकि ऐप डॉट जी एस एक ऐसा कंपोनेंट है, वहाँ पे अगर एक बार मैंने सेटिंग कर दी तो पूरी ऐप में ये चल रहा होगा हर जगह। वेल वंस ये स्टेबल हो जाए तो फिर हम उधर ले जाएंगे उसको। हाँ हाँ, इसका एक अलग कंपोनेंट बनेगा एक्चुअली, इसका ना असूलन एक अलग कंपोनेंट पूरा बनना चाहिए कि भाई ये मैसेजेस ऐसे करके रिट्रीव कर रहा हूँ, और वो कंपोनेंट जस्ट मैं लगा दूँ ऐप डॉट जी एस में टॉप पे, और वो जैसे ही लग जाए वो खुद अपना काम करे, ठीक है। असूलन होना तो यही चाहिए इसको, लेकिन फिलहाल हम इसको ऐसे नहीं कर रहे। अच्छा जी, तो नोटिफिकेशन डॉट मैप, ईच नोटिफिकेशन इंडेक्स आइटम आइटम दिस दिस दिस, ओके। अच्छा, इसको अभी ख़त्म कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस पर क्रॉस का बटन बनाना होगा, सही है, इस पर क्रॉस का बटन मुझे बनाना होगा ऑब्वियसली। अच्छा, अभी तक ये दिख कैसा रहा है, मैंने प्राइवेट को मैसेज करना है एक अदद, ये मैंने प्राइवेट को ना कुछ मैसेज किया है, यहाँ से मैसेज किया, तो यहाँ पे जो प्राइवेट के पास ना देखो ये नोटिफिकेशन यहाँ पे ऐसे दिख गया, सही है, ये अभी अभी जो मैसेज आया है वो दिख रहा है, अगर मैं और एक मैसेज करूँगा यहाँ से तो वो भी यहाँ पे दिख जाएगा, बट मुझे इसको ऐसे करके नहीं दिखाना है, मुझे इसको दिखाना है एज अ पॉपअप काइंड ऑफ ना, तो मैं नोटिफिकेशन व्यू को सबसे पहले तो इस व्यू से बाहर निकालूँगा, सही है, और इसको मैं क्या बोलूँगा कि भाई डिस्प्ले आप हो जाओ, क्या हो जाओ, फिक्स, क्या होता है फिक्स वाले का, हाँ पोजीशन होता है, पोजीशन फिक्स्ड, सही है, और मैंने इसको बोला कि भाई आप हो जाओ टॉप पे और ज़ीरो, सही है, और आप हो जाओ राइट पे भी ज़ीरो, सही है, ज़ीरो, मैंने कहा भाई टॉप राइट पे आपने जाके ना सीधा सीधा खड़े हो जाना है, और टेक्स्ट लाइन अभी आप देख रहे हैं इसका इस तरफ है, मैं चाहता हूँ टेक्स्ट लाइन दूसरी तरफ हो जाए इसका, तो मैं इसको कहता हूँ भाई टेक्स्ट अलाइन जो है ना आपका वो हो जाए राइट हो जाए, सही है, तो टेक्स्ट अलाइन भी राइट हो गया। बैकग्राउंड कलर इसको मैं कुछ दे देता हूँ, सही है, अभी करते हैं, हाँ नहीं वो तो सही है, वो पता है मुझे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना मैं लाइब्रेरी नहीं करना चाह रहा, असल में लाइब्रेरी से चीज़ें हो तो जाती हैं बहुत ईजिली, लेकिन पता नहीं चलता कि ये हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है, हाँ हाँ नहीं वो पता है मुझे, लाइब्रेरी में ना पता नहीं चलता कि हो कैसे रहा ये काम। वैसे तो टोस्ट बना हुआ है, आपने टोस्ट का एक वो लगाना है, उसमें वैल्यू जो भी देंगे वो लिखा हुआ आ जाएगा, बूट स्ट्रैप में भी मौजूद है, मटेरियल यूआई में भी मौजूद है, ठीक है, और मैंने इसका बॉर्डर रेडियस दे दिया इसको। अच्छा, ये मैं काम कर रहा हूँ व्यू के ऊपर ना अभी, असल में मैंने व्यू को बैकग्राउंड कलर नहीं देना था, मैंने एक एक आइटम को मैंने बैकग्राउंड कलर देना था कि गोल गोल मुझे चार आइटम दिखे हैं वो, राइट, तो मैंने इसको कोई बैकग्राउंड कलर मैंने नहीं देना था, सही है, बैकग्राउंड कलर इतना जो इसको दे दिया था इसको पहले मैं कॉपी करके ले जाता हूँ उधर जा मेरे कोड के अंदर, और मैं इसको कहाँ पर लगा देता हूँ, ये नोटिफिकेशन व्यू करके जो क्लास बनाई थी ना इसमें मैं अटैच कर देता हूँ, नोटिफिकेशन व्यू यूज़र लिस्ट डॉट सी एस एस, नोटिफिकेशन व्यू, सही है, इतने को मैंने लगा दिया यहाँ पे। यार यहाँ पे ये चेंज नहीं हुआ इधर, ये क्या चक्कर है, हाँ इम्पोर्ट नहीं हुआ, करेक्ट इम्पोर्ट नहीं हुआ शायद, यूजर लिस्ट डॉट सी एस एस, यार हुआ हुआ तो है नहीं ऊपर, अच्छा हाँ बैकग्राउंड कलर तो हटाया था ना मैंने खुद ही, सही सही का बैकग्राउंड कलर तो मैंने खुद ही हटा दिया था, सही है, तो इस व्यू को मैंने बैकग्राउंड कलर नहीं देना था, सही है, मैंने देना था इसके अंदर आइटम को, अब इसके अंदर आइटम पे आया मैं और मैंने कहा भाई बैकग्राउंड कलर रेड, रेड का थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट शेड, ठीक है, और थोड़ा सा कम फिल वाला कलर, ये मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया। अच्छा, उसके अलावा मैंने इसको दे दिया कि भाई बॉर्डर इसका मैंने रेडियस दे दिया ताकि थोड़ा गोल मटोल सा दिखे, 15 पिक्सल, सही है। अच्छा, अब आप देखें ज़रा ये बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया ना, तो हाँ इसमें मैंने पैडिंग देनी है,
10 पिक्सल की, और मार्जिन देना है ताकि ये नीचे वाले से थोड़ा अलग हो जाए। सही है, नीचे वाले से अलग हो गया ये। अब ये वाला जो सारा का सारा स्टाइल है वो मुझे कहाँ पे देना है, ये मुझे आइटम पे देना है। नहीं वो तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है ना वैसे भी, वो हर वक्त थोड़ी होगा, वो कभी कभी आएगा भी, उस पर क्रॉस का बटन भी बना देंगे, क्योंकि क्रॉस करेंगे तो गायब भी हो जाएगा। अच्छा तो कहाँ गया मेरा css डॉट आइटम पे मैंने देना था ना ये। मैंने कहा डॉट आइटम और ये सारा का सारा मैंने इसके ऊपर css अप्लाई कर दिया। भाई देख रहे हो समझ आ रहा है ये कैसे हो रहा है? सही है। तो ये मेरा दो नोटिफिकेशन मेरे नज़र आ गए बने हुए। अच्छा अब इसके अलावा मुझे क्या करना है, जो नाम लिखा हुआ है बंदे का इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है ऑब्वियसली, ताकि नाम और कंटेंट जो है ना थोड़ा सा अलग अलग दिखे मुझे। क्या आइकन बोले तो किस चीज़ का आइकन? वो तो फिर हम कुछ भी करते रहेंगे। सही है, ये मैंने टाइटल करके एक बना दिया जिसमें मैं क्या करूँगा, फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया मैंने, ठीक है। और यूज़र लिस्ट में जाके मैं क्या कर दूँगा, इसमें क्लास नेम लगा दूँगा टाइटल। सही है, ताकि ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो नाम मेरे पास यहाँ बोल्ड हो गया और नीचे टेक्स्ट मुझे नज़र आ रहा है, और मैंने 100 कैरेक्टर काट के लगाया है तो 100 कैरेक्टर मुझे इतना दिखेगा। और उसके बाद मैंने डॉट डॉट भी लगाना था, शायद बेहतर होता अगर मैं डॉट डॉट लगा देता। वेल, जो लिखा हुआ मैसेज है उसको देख के फील हो जाता है कि ये अधूरा मैसेज है, आधा दिख रहा है मुझे। ठीक है भाई, तो ये मैंने एक काफ़ी वाहियात सा एक नोटिफिकेशन बाहर बना दिया इसमें। एक मिनट यार, रेड कलर बहुत ही वाहियात लग रहा है। नोटिफिकेशन बलून देखते हैं ना हम। आई मैसेज का जो है, आई मैसेज को हमने कॉपी छापा है ना पूरा, आई मैसेज का हम देख लेते हैं ना। नोटिफिकेशन बलून जो है ये है इसका। चलो इसको अभी जितना छापा है तो पूरा छापते हैं। असल में इन्होंने वो भी मारा हुआ है ना, ओपन इमेज इन न्यू टैब। सही है। अच्छा ये इसमें वो एक्सटेंशन नहीं शो हो रहा मेरा। सही है जी, पिक कलर, और मैंने ये बैकग्राउंड का कलर ना इसके मैंने पिक कर लिया। सही है, और ये लगा देते हैं बैकग्राउंड में। सही है, बैकग्राउंड पे ये लगा दिया मैंने, और फोरग्राउंड तो इसका है ब्लैक। देखते हैं अब कैसा दिख रहा है, पहले से ज़्यादा वाहियात दिख रहा है या कम, कुछ बेहतर दिख रहा है। इन्होंने साइडों में क्या लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। सही दिख रहा है यार, बेहतर दिख रहा है। सही दिख रहा है, बेहतर दिख रहा है पहले से। इस पे ये थोड़ी सी इन्होंने ट्रांसपेरेंसी भी ऐड की हुई होती है असल में, थोड़ी सी इनकी ना, थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट होता है। वो जो ग्लास मॉर्फिक वाला मंजन है ना, वो वाला किया हुआ होता है इन्होंने, बस ये ओपेक्सिटी मैंने थोड़ी सी कम की है इसकी। चलो भाई, ये रिफ्रेश ही हो गया, पेज ही रिफ्रेश हो गया मेरा। चलो दोबारा मैसेज भेज देंगे, कोई नहीं। अब देखो अब होगा क्या, अब यहाँ से जब मैं इसको मैसेज भेजूँगा, ये मैंने कुछ मैसेज लिखा और ये सेंड का बटन दबाया, ये क्या हुआ भाई? अच्छा वो मैं दूसरे पेज पे चला गया था इसलिए नहीं आया। यहाँ से मैंने कुछ मैसेज भेजा, यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आ गया। सही है, यहाँ से मैंने ये एक और मैसेज भेजा, यहाँ पे दूसरा नोटिफिकेशन आ गया। अब इसके साथ मैंने क्या करना है, एक तो क्लिक पे मुझे उसके पेज पे लेके जाना है,
अच्छा मुझे कोई और मैसेज भेजेगा तो वो भी आ रहा होगा हाथ के अंदर ना, नीचे पूरी लिस्ट बन रही होगी जितने भी मुझे मैसेज भेजते जाएँ। अच्छा हाँ, बस सेट टाइम आउट लगाते रहो, अब जो मर्ज़ी लगाते रहो इसके अंदर, ये तो अब आप पे डिपेंड करता है। नहीं नहीं वो असल में क्रॉस के बटन से होगा, वो बटन मैंने कहा कि क्या होता है डिसमिस, सही है डिसमिस का मैंने बटन बनाया है फ़िलहाल के लिए, आप इसको क्रॉस का बटन बना दीजिएगा सीएसएस वगैरह थोड़ा अच्छे से लगा के। मैंने कहा कि ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे, हाँ मैंने ऑन क्लिक पे कहा कि भाईजान इस पे जो है ना आपको क्या देना है, डिसमिस का फंक्शन कॉल करना है, डिसमिस नोटिफिकेशन, और पैरामीटर में क्या पास करना है, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन, सही है डिसमिस करने के लिए क्या करना है, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पास करना है, वो अंदर फंक्शन में हम देखेंगे कि कैसे। अच्छा हम डिसमिस करेंगे कैसे उसको, डिसमिस हम ऐसे करेंगे स्टेट के अंदर जितने भी आइटम्स मौजूद हैं उसमें से मैच करेंगे, जिससे मैच हो जाएगा उस आइटम को रिमूव कर देंगे हम स्टेट में से, तो आइटम रिमूव होगा तो ऑटोमेटिक वहाँ से वो नज़र आना बंद हो जाएगा, सही है। तो ये डिसमिस का हमने बटन बना दिया। अच्छा फिर ओवरऑल हमारे पास जो है ना ये लिंक हमने कहाँ पे लगाया था, एक जगह पे हमने लिंक का भी इस्तेमाल किया था ना, वो लिंक हमने ओवरऑल पूरे पे लगाना है इसके होम। अच्छा ये नीचे ही तो किया है हमने लिंक का इस्तेमाल, ये रहा ना, ये रहा लिंक का इस्तेमाल किया है हमने नीचे, हमने क्या भाई इसको पूरे को ना एक लिंक में आपने डालना है इसे, ताकि इस पूरे नोटिफिकेशन पे जब बंदा क्लिक करे तो वो ऑटोमेटिक कहाँ चला जाए, सही है। जो डिसमिस का बटन है उसके ऊपर मैंने नहीं रखा ये, बाकी जगह पे रखा है, नोट कर रहे हो, लिंक जो है वो डिसमिस का बटन उससे बाहर है, डिसमिस के बटन पे क्लिक करने से बंदा नहीं जाएगा, वो जस्ट क्लिक होगा। अच्छा और इसके क्लिक करने पे मैंने कहा कि स्लैश चैट और स्लैश जो ईच नोटिफिकेशन डॉट फ्रॉम जिसका भी मैसेज है और डॉट अंडर स्कोर आई डी, इस जगह पर मुझे वो लेके चला जाए, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं इसको, डिसमिस नोटिफिकेशन इज़ नॉट डिफाइंड, बना देते हैं डिसमिस नोटिफिकेशन, ठीक है जी। तो मैंने कहा कि भाई कॉन्स्ट डिसमिस नोटिफिकेशन इक्वल्स टू अ फंक्शन, सही है, जिसको मिलता है ईच नोटिफिकेशन पूरा का पूरा, और होम पे गया मैं, ज़रा कुछ मैसेज भेजता हूँ इसके पीछे मैं, रिफ्रेश कर देता हूँ इसको मैं। अच्छा तो अब यहाँ पे ये प्राइवेट है और ये मेरा जो है इंतज़ाम है, प्राइवेट को अगर मैं यहाँ से अब कोई मैसेज भेजता हूँ न्यू मैसेज और एंटर, तो प्राइवेट के पास ये नोटिफिकेशन बना हुआ आएगा सिर्फ, सही है, न्यू मैसेज भेजा मैंने, या मैं कुछ भी एक्स वाई जेड इसको लिख कर भेजता हूँ, सही है, ये दो मैसेज मैंने भेज दिए हैं, तो मैं किसी भी मैसेज पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे उस मैसेज पर लेके चला जाएगा, ये दो मैसेज यहाँ पे नज़र आ गए, सही है। तो अभी हम इसको इंशाल्लाह डिप्लॉय कर देंगे क्लाउड पे, तो आप सब लोग एक दूसरे को मैसेज करके भी देख पाएंगे। अच्छा क्योंकि मैंने इसको लिंक पे सेट किया है तो उससे मसला ये हुआ है कि इसको ये ब्लू ब्लू कर दिया इसने पूरे को, ठीक है, तो ये तो सीएसएस का इशू है बहुत ईजिली। अच्छा डिसमिस का बटन अभी काम नहीं कर रहा, डिसमिस के बटन की फंक्शनैलिटी हम जल्दी से कर लेते हैं कि भाई डिसमिस के बटन को ये ईच नोटिफिकेशन मिलेगा, और जो मेरे पास नोटिफिकेशंस जो हैं मेरे पास, मैंने कहा भाई सेट नोटिफिकेशन और इसमें मुझे प्रीवियस मिलेगा जो भी, और मैंने रिटर्न में एक जो एक नया मैसेज नोटिफिकेशन का एक नया एरिया होगा वो मैंने भेजना है। अच्छा तो अब मैंने इस प्रीवियस में से सिर्फ वो नोटिफिकेशन माइनस कर देना है जो ये वाला है, सही है। अच्छा इस नोटिफिकेशन में मुझे मिलता क्या क्या है, ठीक है, इस नोटिफिकेशन में मुझे क्या क्या बात मिलती है, मुझे वो पूरा मैसेज मिलता है एक्चुअली, तो उस मैसेज में आईडी होती है एक अंडर स्कोर, तो मैं यहाँ पे आके लगाऊंगा, मैं बोलूँगा भाई प्रीवियस डॉट फिल्टर, फिल्टर कर लूँगा मैं, सही है, एरे पे फिल्टर चलता है जो, और मैं कहूँगा कि यार ईच आइटम। अच्छा यहाँ पे ईच नोटिफिकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, जस्ट नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन है ना, एक नोटिफिकेशन बस मुझे मिला है, तो ये प्रीवियस के ऊपर डॉट फिल्टर लगाया, मैंने कहा ईच आइटम जो होगा ना हमारा, ठीक है, वो हर दफ़ा मुझे मिला करेगा।
अच्छा फिल्टर कैसे चलता है ये सबको पता है, फिल्टर से या तो ट्रू या तो फॉल्स रिटर्न करवाते हैं हम, अगर ट्रू होगा तो वो रखेगा, फॉल्स करेंगे तो वो नहीं रखेगा, यही होता है ना। तो मैंने यहाँ पे बोला कि भाई नोटिफिकेशन डॉट अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स इक्वल्स जो भी ईच आइटम अभी लेते हैं वो नया ऑब्जेक्ट देते हैं वो, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई नोटिफिकेशन अगर इसके इक्वल हो, हाँ नॉट इक्वल हो एक्चुअली, सही है, तो उसको रखो। मैंने कहा कि फिल्टर्ड नोटिफिकेशन इक्वल्स टू दिस, सही है। मैंने कहा भाई नोटिफिकेशन को मैंने फिल्टर मारा है, प्रीवियस पे पूरा फिल्टर मारो, बल्कि इस प्रीवियस को मैं कह देता हूँ कि ऑल ऑल नोटिफिकेशंस, ऑल नोटिफिकेशंस डॉट फिल्टर, ईच आइटम मुझे मिलता है इसमें, और मैं कहता हूँ कि भाई नोटिफिकेशन ईच आइटम की जो आईडी है इसको इस तरफ रखना चाहिए मुझे फॉर बेटर, और मैं कहता हूँ नॉट इक्वल्स टू अगर ऐसे होते, ठीक है। ईच आइटम है हर दफ़ा मिलता है, और ईच आइटम को मैं कंपेयर करता हूँ कि ये इक्वल नहीं होना चाहिए इस वाले के जो अभी मिला है, ठीक है, उसको रखो, बाकियों को हटा दो, और ये फिल्टर्ड नोटिफिकेशन को मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ। तो इससे होगा क्या कि जब भी डिसमिस नोटिफिकेशन पे क्लिक किया जाएगा तो जस्ट वो वाला नोटिफिकेशन ना स्टेट से उड़ा दिया जाएगा, और जैसे ही स्टेट में चेंज आएगा आपको पता है वो रीरेंडर होता है, तो वहाँ से भी वो, ठीक है, ये मैंने डिसमिस किया तो ये गायब हो गया। अब यहाँ से आके मैं 4-5 मैसेजेस करता हूँ इसको बंदे को हमारे जो प्राइवेट है, ये नहीं समझ आया, ये मैंने देखो 5-6 मैसेजेस कर दिए इसको यहाँ पे, सही है, ये नोटिफिकेशन आ गई सारी। अब मैं जिस पे डिसमिस दबाऊंगा ना वो गायब हो जाएगा, सही है, जिस पे मैं डिसमिस दबाता जा रहा हूँ वही गायब हो रहा है। नहीं कोई भी आवाज लिख दो, ये तो कॉल बैक फंक्शन है एक्चुअली, ये तो कॉल बैक फंक्शन है ना एक्चुअली, तो कॉल बैक फंक्शन में जो पैरामीटर पकड़ते हैं वो हम लिखते हैं उसका नाम कि क्या होगा, सही है। तो हमने जस्ट ये किया है, सही है शहजाद, आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ कि हमारे पास स्टेट में नंबर ऑफ नोटिफिकेशंस थे, मैंने उसमें से एक नोटिफिकेशन हटवा दिया जिस पे क्लिक हुआ है, अब वो मैंने फ़िल्टर के ज़रिए करवाया है, आप उसको किसी और तरह से कर लें, फॉर लूप से कर लें, मैप से कर लें, बहुत सारे तरीके हैं इसको बीच में से एक चीज़ को माइनस करने के, सही है। डॉट कंटेन करके भी वो पता नहीं है होता है, ठीक है, एरे डॉट इंडेक्स ऑफ करके भी होता है, वैसे करके कर लो, एक ही बात है, सही है। फ़िल्टर मुझे लगा कि शायद बेहतर है, आसान है। अच्छा, इसके लिए मुझे अलग वेरिएबल बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी, सही है, अलग वेरिएबल हटा दिया मैंने। अभी फ़िल्टर मैंने क्यों लगाया, असल में मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैंने फ़िल्टर क्यों लगाया। अच्छा, मैं पूरे को उठा के क्या कर देता हूँ, कट करके इसकी जगह पूरे को लिख दूँ मैं, है ना, वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब ये एक लाइन का है तो मुझे रिटर्न लगाने की ज़रूरत नहीं है, सही है, तो मैं रिटर्न भी हटा दूँगा, और इसको भी हटा दूँगा, इसको भी हटा दूँगा, और इस पूरे को मैं एक लाइन में ले आऊँगा यहाँ। अच्छा, एक लाइन में लाने का मतलब है मैं लाइन ब्रेक भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं लाइन ब्रेक नहीं कर सकता, एक लाइन में ला के लाइन ब्रेक कर दी मैंने, दो लाइन में, सही है। तो ये एक्सप्लेनेशन है, इस वजह से मैंने फ़िल्टर का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे लोग फ़िल्टर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे एरो है वहाँ से लाइन ब्रेक करते रहो, भले मसला नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी ये क्या हो गया, सिंपल हो गया। अच्छा, अब क्योंकि ये सिंपल इतना फंक्शन है तो मुझे इसमें ये फंक्शन बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं ये एक लाइन का ही तो कोड है, ये मैं वहीं बटन के क्लिक पे भी लगा सकता हूँ, लेकिन वो शायद थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसको यहीं तक रखते हैं। अच्छा, तो ये हमने डिसमिस बना दिया, आ जाते हैं जी एक दो, इसको मैं और मैसेजेस भेजता हूँ, सेंड सेंड सेंड, ठीक है, 3 और टक टक मैंने डिसमिस मार दिया, और किसी एक पे भी मैं क्लिक करता हूँ अगर तो ये यहाँ पे आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद मुझे वो नहीं ला के देगा ऑब्वियसली, यहाँ पे आने के बाद जब मैं मैसेज भेजूंगा तो वो मुझे AA में मैंने बहुत सारा लिख के भेजा तो मुझे डायरेक्ट मैसेज मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में वो नोटिफिकेशन मुझे यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे मुझे उस सूरत में चाहिए जब इसके अलावा कोई यूज़र मुझे भेज रहा हूँ, जब मुझे चाहिए तो असूलन मुझे उसको app.jsx में रखना चाहिए ताकि मुझे यहाँ पे भी शो करे, बट उसमें फिर एक कंडीशन लगेगी कि इस वक्त URL में क्या लिखा हुआ है, और उस URL के अंदर अगर वो जो ID है उसके अलावा किसी ने भेजा हो तो मुझे दिखाए, अदरवाइज ये ना दिखाए,
तो एक कंडीशन के साथ वो यहाँ पे भी लगेगा। या ये कर सकते हैं हम कि यहाँ पे अलग से सब्सक्रिप्शन करके जस्ट एक बीप लगवा दें उस पर कि यार एक बीप बजे के पीछे किसी का मैसेज आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे बात करते हुए पता ही नहीं चलेगा मुझे कि पीछे कोई मैसेज कर रहा है। तो अच्छा, तो ये यहाँ तक की कहानी हमारी सेट हो गई। अब हमने क्या करना है, इसको हमने सिक्योर बनाना है, सॉकेट आयो को। सही है, सॉकेट आयो को सिक्योर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आ जाते हैं हम ज़रा सॉकेट आयो पे नज़र मारते हैं। सही है, रियल टाइम मैसेज कंप्लीट कर दिया मैंने, कोड पुश कर दिया। अब देखो सर्वर पे जब मैं आता हूँ, देखो मैं सर्वर पे आया, ये ऐप डॉट गेट करके ना ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। सही है, अब नोट करो बहुत गौर से कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने एक सर्वर बनाया, अब की बार मैंने सर्वर बनाया नॉट जेएस का बिल्ट इन जो फंक्शन होता है सर्वर के लिए क्रिएट सर्वर के नाम से, उसको मैंने ये ऐप पास कर दी एक्सप्रेस की पूरी ऐप, और ये सर्वर का ऑब्जेक्ट मेरे पास मौजूद है। अभी तक मैंने सर्वर पर लिसन कॉल नहीं किया, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ न्यू सॉकेट आयो, और उसको भी ये सर्वर पास करता हूँ, ठीक है, या इस सर्वर को भी आयो पास कर सकता हूँ मैं। यानी इस सर्वर को मैंने ऐप डॉट ऐप पास किया, इसी सर्वर को मैं ये आयो भी पास कर रहा हूँ, और मैं कहता हूँ सर्वर डॉट लिसन। तो ये दो ऐप्स को नॉट जी एस के सर्वर ने एक ही जगह पे रख के चला दिया। अच्छा, अब होता क्या है, HTTP की रिक्वेस्ट आती है, वो तो चल रही है अपना ऊपर, जब यहाँ पे रिक्वेस्ट आती है तो वो होती कैसे, हैंडल कैसे होती है। सही है, वो हैंडल इस तरह से होती है कि आयो डॉट ऑन कनेक्शन के ऊपर ना ये जो मुझे सॉकेट मिलता है, ये एक्चुअल में एक HTTP की रिक्वेस्ट ही होती, क्योंकि HTTP की रिक्वेस्ट नहीं होती, TCP रिक्वेस्ट होती है। जो HTTP प्रोटोकॉल बना हुआ है वो बना हुआ है ऑन द टॉप ऑफ TCP लेयर। सही है, TCP लेयर का मतलब है कि उसमें हेड होगा, बॉडी होगी, ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो TCP की क्या कहते हैं स्पेसिफिकेशन है, समझ लो एक तरह से। तो क्योंकि ये ऑन द टॉप ऑफ TCP बना हुआ है सॉकेट भी, तो इस वजह से इसके अंदर भी वो कुकीज़ होंगी सारी, जो हेड होगा और बॉडी होगी, और इसमें भी डेटा उसी तरह से मैं बॉडी में डाल के भेज सकता हूँ जिस तरह मैं नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट में भेजता हूँ, ठीक है। फ़र्क बस इतना सा है कि यहाँ पे ये रिक्वेस्ट आके सेव हो जाती है, रिस्पांस मतलब रिस्पांस फ़ौरन चला जाता है, तो ख़त्म नहीं होती रिक्वेस्ट, ये इधर सेव रहती है। तो बाकी कुकीज़ का सारा सेटअप इसका वही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फ्रंट एंड से कनेक्शन भेजते हुए अगर मैं इसको बोलूँ क्रेडेंशियल ट्रू, तो ये कुकी साथ लाएगा। अच्छा, वैसे तो मैंने उधर बोला हुआ है ये ऊपर एक सर्वर है वो अलग है अपना, उससे ताल्लुक़ नहीं है इसका, ठीक है। इसको भी कनेक्ट करते हुए ना फ्रंट एंड में मैंने बोलना पड़ेगा कि क्रेडेंशियल ट्रू, तो वो कुकीज़ अपने साथ लाएगा। अच्छा, कुकीज़ पे तो मैंने लॉगिन वॉगिन का सारा सेटअप किया हुआ है पहले से। अच्छा, फिर यहाँ पे जब मैं पहुँचूँगा ना, तो इस सॉकेट के ऊपर मैं डॉट लगा के मैं हेड भी एक्सेस कर सकता हूँ, बॉडी भी एक्सेस कर सकता हूँ, कुकीज़ भी कर सकता हूँ, तीनों चीज़ें एक्सेस कर सकता हूँ। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा इफ़, और उसमें जो भी मैंने वैलिडेशन करनी होगी उस टोकन की मैं वो करूँगा। अगर वो वैलिडेशन फेल हो जाती है तो मैं यहाँ से उसको ज़बरदस्ती बोलूँगा कि भाई सॉकेट डॉट डिस्कनेक्ट, ज़बरदस्ती इसको मैं डिस्कनेक्ट करवा दूँगा, मैं बोलूँगा निकलो इधर से। सही है, जैसे मैं देखो जैसे मुझे ये सॉकेट मिलता है ना, जब बंदा एक कनेक्ट होता है तो एक दफ़ा चलता है, और इस सॉकेट में वो बंदे का ऑब्जेक्ट मिलता है, और उस बंदे में डॉट इमिट करता हूँ ना, तो सिर्फ उस बंदे को मैसेज जाता है, किसी और को नहीं जाता। सही है, सिर्फ उस बंदे को जाता है। तो इसी तरह इस बंदे में डॉट करके मैं डिस्कनेक्ट भी करा सकता हूँ। तो अच्छा, अब होगा क्या कि अगर बंदा लॉगिन नहीं है ना, तो वो जैसे ही कनेक्ट होगा वो फ़ौरन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्शन सक्सेसफुल होगा ही नहीं उसका कभी भी। अच्छा, मैं जब डिस्कनेक्ट करूँगा तो मैं उसको ये बोल के भी कर सकता हूँ कि भाई 401, ठीक है, मे बी वेल जस्ट डिस्कनेक्ट करवा दूँ तो भी ना फिर, ठीक है। कोई मैसेज भेज सकता हूँ मैं डिस्कनेक्ट करते हुए, ताकि उसको पता चले कि अच्छा यार इस वजह से, नहीं डेवलपर की आसानी के लिए कोई मैसेज भी लगा के भेज सकता हूँ। अच्छा, ये काम होगा कैसे, ये काम ऐसे होगा कि ये मैं आया इधर, और यहाँ पे इसको मैं सिक्योर करूँगा ना, अरे भाई क्या सीन है, ये मैंने ना उस रिपॉजिटरी में अभी
लिखा हुआ है, वो लिंक लगाया हुआ है मैंने कि वो कैसे होता है, डॉक्यूमेंट्स में ही कहीं है लेकिन अभी नज़र नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से ना देख लेता हूँ जो अच्छा देखो हम कहते हैं ना आयो और हम यहाँ पे यू आर एल लिखते हैं जस्ट, अब हम इसमें एक ऑब्जेक्ट भी दिया करेंगे विद क्रेडेंशियल्स ट्रू, सही है, तो इसको कॉपी कर लिया मैंने और आके जहाँ जहाँ पे ये कनेक्ट होता था ना सॉकेट, तो वहाँ वहाँ पे अब मैं कनेक्शन से पहले इसको क्या बोलूँगा, कहाँ गया यूज़र लिस्ट, सही है, एक तो यहाँ पे कनेक्ट होता था और ठीक है कॉमा डाल के यहाँ पे और मैंने ये क्रेडेंशियल ट्रू इसको बोल दिया, सही है, और एक जगह पे और मैंने किया हुआ है, कहाँ पे किया हुआ है, यूज़र लिस्ट हो गया और चैट स्क्रीन डॉट जी एस एक्स, यहाँ पर भी बिना की ये बात बता दी इसको, सही है, इन दोनों जगह पे मैंने क्रेडेंशियल ट्रू कह दिया और कह रहा है कि भाई अब सर्वर पे ना आपको द सर्वर नीड्स टू सेंड द राइट एक्सेस कंट्रोल अलाउ स्टैटिक टू अलाउ द कनेक्शन, अब ये कह रहा है सर्वर पे ना आप क्या करोगे, जैसे आईओ करके बोलते हो ना आप न्यू सर्वर और इस पे ये जो भी आप पास करते हो सर्वर का नाम, उसके साथ ना आप ये ऑप्शंस पास करोगे आप जिसमें क्रेडेंशियल ट्रू सेट करोगे आप और ओरिजिन भी सेट करोगे कि किस ओरिजिन को अलाउ करना है, सही है, तो सर्वर पे भी आके मैं ये काम कर देता हूँ, यही ऑब्वियसली यही काम हमने एचटीटीपी वाले पे भी किया था, सही है, अच्छा ये इस पे मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन इस पे मैंने वो वाला काम नहीं किया, क्रेडेंशियल ट्रू नहीं लगाया मैंने, कुछ और लगाया हुआ है, मेथड्स स्टैटिक लगाया हुआ है, ठीक है, तो मैं ये पुराने ऑप्शन हटा के ये नए ऑप्शन मैंने यहाँ पे सेट कर दिए जिसमें मैंने क्रेडेंशियल ट्रू का इजाफा कर दिया है यहाँ पे, सही हो गया। अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि जब भी मुझे डॉट कुकीज करके मुझे कहाँ पे वो मिलेगा, ये रहा सॉकेट डॉट रिक्वेस्ट डॉट हेडर डॉट कुकी ऐसे करके मिलता है मुझे ये, सही है, ऐसे करके मिलता है ये, ठीक है, तो जब भी कनेक्शन होगा ना इसका मैं ये बात इससे पूछूंगा कि बच्चा आप क्या बताओगे मुझे अपना, आप मुझे ये बताओगे कुकी इक्वल टू दिस, और कुकी इक्वल टू दिस करके मैं बोलूँगा कॉन्सोल डॉट लॉग और ये कुकी मुझे जो है ना आप बता दो, सही है, तो अब हम जरा आते हैं अपने सर्वर पे और अपने सर्वर पे हम देखते हैं कि जब भी हमारा एक नया यूज़र कनेक्ट होता है तो मुझे ये कुकी में क्या दे रहा होता है, तो मैं गया इधर अपनी रिएक्ट की ऐप के ऊपर और मैंने इसको रिफ्रेश किया, अच्छा रिफ्रेश करने पे ये हो रहा क्या है असल में कि वो क्रॉस ओरिजिन का ना एरर दे रहा है, क्रॉस ओरिजिन का एरर क्यों दे रहा है, अच्छा वो इसलिए दे रहा है कि मैंने क्रॉस ओरिजिन का नाम गलत लिखा है वहाँ पे, सही है, वो क्रॉस ओरिजिन का नाम ना मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है माई फ्रंट एंड डॉट कॉम लिखा हुआ है, ये नहीं लिखना था मुझे, मुझे लिखना था http://
और लोकल होस्ट 3000, सही है, क्योंकि फ़िलहाल मुझे यहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है। अच्छा, बाद में फिर मैं क्या करूँगा, इसमें एरे पास करूँगा जिसमें जो मेरा क्लाउड होगा उसका भी नाम शामिल करूँगा कि भाई वहाँ से भी इसको आने दो। अच्छा ठीक है, देखो अब मुझे कुकी ना ये मिलना शुरू हो गई है, सही है। जब भी ये नया क्लाइंट मेरा कनेक्टेड होता है विथ आईडी, ये आईडी आ गई और उसके बाद मैंने कुकी को कंसोल करवाया ना। अच्छा, कुकी को नोट करो, सीधा सीधा नहीं आ रहा कुकी ना, थोड़ा ऐसे टोकन इक्वल्स टू करके आ रहा है। अब इसमें मैं डॉट करके गेट नहीं कर सकता क्योंकि ये स्ट्रिंग की फॉर्म में, सही है। तो इसके लिए इन्होंने एक लाइब्रेरी सजेस्ट की हुई है किसी ने यहाँ पर, दैट इज़ कॉल्ड जस्ट कुकी, सही है। तो ये लाइब्रेरी के ज़रिए हम क्या करेंगे, इस कुकी डॉट पार्स करके हम इसको जो है ना इसको पार्स कर लेंगे। तो मुझे इस स्ट्रिंग को ये, अच्छा अभी तो एक आइटम है ना कुकी में, कल को 10-12 आइटम भी हो सकते हैं, तो मुझे पार्स करके ना डॉट टोकन ऐसे ऑब्जेक्ट बना के मुझे ये दे देगा, ठीक है। तो ये फिर हम इसको देखेंगे कि भाई डज नॉट ट्रांसलेट, ये क्या लिखा है इसमें, चलो। हर किसी ने ना अलग अलग तरीका बताया, एक ने बोला भाई खुद का फंक्शन बना लो ऐसे करके, ठीक है, तो अलग अलग तरीके से लोगों ने बताया। मैं तो कुकी डॉट पार्स मेरे ख्याल है यही सबसे बेस्ट है, लाइब्रेरी है ये कुकी के नाम से ना। तो ये लाइब्रेरी हम इंस्टॉल कर लेते हैं, npm कुकी, इस लाइब्रेरी को हम इंस्टॉल कर लेते हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी देख लेते हैं। दिस लाइब्रेरी इज़ जस्ट फॉर, वो स्ट्रिंग को वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा, एक सर्टेन पैटर्न पे वो स्ट्रिंग होता है उसको जो है वो क्या करेगा। तो मुझे अपने ये सर्वर पे इंस्टॉल करना है ये npmi कुकी, सही है, और अपने सर्वर को मैंने दोबारा चला देना है, ये मेरा सर्वर दोबारा चल चुका है, ठीक है। और इसको मैंने टॉप पे इम्पोर्ट कर लेना है कुकी को, कैसे बताया हुआ इन्होंने इम्पोर्ट करना, कुकी रिक्वायर कुकी ऐसे बताया हुआ, सही है। मैंने कहा कि भाई इम्पोर्ट कुकी फ्रॉम कुकी, सही है। अब मैं क्या करूँगा, एक तो कुकी पार्सर मैंने अलग से भी ऊपर रखा हुआ है, लेकिन दिस कुकी पार्सर इज़ फॉर वो, ये डिफरेंट वाला कुकी पार्सर है, ये मिडल वेयर है एक्सप्रेस का। ये जो कुकी पार्सर है ना, ये डॉट करके पार्स करेंगे तो पार्स होगा, क्योंकि सॉकेट में हमारे पास कोई ऐसा पाइपलाइन मैकेनिज्म इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अदरवाइज हम इस कुकी पार्सर को यूज़ कर सकते थे, लेकिन ये कुकी पार्सर स्पेशली एज अ मिडल वेयर लगाने के लिए बनाया गया है, तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, फिर मैंने बोला कि भाई जो भी मेरा ये कुकी है ना, इसको आप क्या करो, अरे यार ये कुकी तो मैंने इसका नाम नहीं रखना था, कुकी डेटा कर देता हूँ, क्योंकि कुकी के नाम से मैंने ऊपर भी इम्पोर्ट कर लिया ना अभी, कुकी डेटा कर देता हूँ इसका नाम ना, ताकि वो ऊपर वाले कुकी से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ना खाए, है ना, ऊपर वाले कुकी से कॉन्फ्लिक्ट खा जाएगा वरना ये, कुकी डॉट, अरे कुकी डेटा क्यों, कुकी डॉट पार्स, ठीक है, कुकी डॉट पार्स को मैंने ये कुकी डेटा पास किया कि भाई आप पार्स हो जाओ, और मैंने कहा कुकी डेटा इक्वल्स टू, इसी को ही ओवरराइड करवा दिया, मैंने कहा कुकी डेटा इक्वल्स टू कुकी डॉट पार्स, और इसी चीज़ को मैं दोबारा से फिर कंसोल करवाता हूँ कि भाई ये आया कि स्ट्रिंग से ही है, वापस से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है कि नहीं कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब आप देखें, ये पहला कॉन्सोल है और उसके बाद ये दूसरा कॉन्सोल है, दूसरे कॉन्सोल में आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो डॉट टोकन करने से मुझे वो टोकन मिल जाएगा जो मुझे चाहिए, राइट। अच्छा, इसको अब मैं चाहूँ तो एक लाइन में भी कर सकता हूँ इसको, मतलब वो करने के लिए, तो मैं इसको एक लाइन में कर देता हूँ, ठीक है। दो लाइन के कोड लिखने की मुझे ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी, तो मैंने कहा कुकी डॉट पार्स और इसमें पास किया कुकी डॉट सॉकेट डॉट रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट कुकीज़, ऐसे करके मैंने पूरा पास कर दिया, तो मुझे ये कुकी का डेटा मिल जाएगा। अब इस कुकी के डेटा को मैं वैलिडेट कैसे करता था,
एक्सप्रेस के अंदर सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी वैलिडेट करना है, तो आ जाते हैं वहाँ से ये पूरी की पूरी लॉजिक में उठा के ले आता हूँ, या कोई ऐसा फंक्शन हम अगर वहाँ पे होगा तो उसको रीयूटिलाइज कर लेंगे यहाँ पे। तो ये ऑथ एपीआईज, सॉरी ऑथ एपीआईज में नहीं था, ये ऑथ एपीआईज में नहीं था, ये तो ये रहा ना मिडलवेयर। ठीक है, मैं कहता हूँ एक तो टोकन होना चाहिए, ठीक है, तो अगर नहीं है तो वापस भेज दो इसको। फिर मैं कहता था JWT.verify, और ये इसको टोकन पास करता था और सीक्रेट पास करता था, और फिर ये डिकोडेड डेटा में मैं चेक करता था कि हाँ यार ये हुआ या नहीं हुआ। तो ये पूरा का पूरा एक फंक्शन है मेरा, जिसके ज़रिए मैं पता लगाता था कि अच्छा यार ये काम मेरा सेट हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस इफ़ को और इस JWT.verify को यहाँ से मैं कॉपी करके इसको नीचे वहाँ पर भी लेके चला जाऊँगा। सही है, कुकी डेटा मिलने के फ़ौरन बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको बोलूँगा भाई कुकी डेटा के अंदर ना टोकन होना चाहिए, ठीक है, डॉट टोकन इसमें होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो आप यहाँ से क्या करोगे, रिस्पॉन्स, अभी कैसे इसको डिस्कनेक्ट कराते हैं अभी हम वो देखते हैं, पहले हम वो सारी लॉजिक यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो इस केस में हमें इसको डिस्कनेक्ट कराना है, फिर हम कहेंगे JWT.verify सीक्रेट इसी लेवल पे तो मुझे मिल जाएगा, ये सीक्रेट एनवायरनमेंट वेरिएबल से उठाया था हमने, ठीक है। अच्छा, रिक्वेस्ट डॉट टोकन अब करके नहीं है ये, अब ये क्या करके, अब ये करके कुकी डेटा, कुकी डेटा डॉट टोकन करके, सही है। फंक्शन में मुझे या तो एरर मिलेगा या तो डिकोडेड डाटा मिलेगा, ये एरर अगर तो एरर आ जाता है तो इस केस में भी मुझे क्या कराना है, इसको इसको मैंने डिस्कनेक्ट करवाना है। और अगर एरर नहीं आता है तो मैं डिकोडेड डेटा को चेक करूंगा कि भाई ये टाइम इसका आगे पीछे तो नहीं हो गया, तो ये टाइम की लॉजिक हमने बनाई थी उस वक्त, ऑब्वियसली सही होगी ये लॉजिक। तो मैंने कहा कि अगर भाई ऐसा वैसा केस हो गया ना तो इस केस में भी आप क्या करा दो, इसको डिस्कनेक्ट करवा दो, ठीक है। तो इस केस में भी मैंने डिस्कनेक्ट कराना है, अगर ये वाला केस है तो फिर मुझे कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं करेंगे तो ये सब कुछ सही रहेगा, ठीक है। तो एल्स में मैंने इसमें क्योंकि कोई काम नहीं करना तो मैं क्या करूँगा, इसको एल्स को की बॉडी को ही उड़ा दूँगा, एल्स में मुझे कोई काम नहीं करना, ठीक है। तो जिस जिस केस में मुझे, ठीक है, मुझे ये भी नहीं चाहिए, नहीं ये तो मुझे चाहिए ना डिकोडेड डेटा, जब ही तो मुझे पता चलेगा कि वो हो रहा है या क्या हो रहा है। सही है, ओके, अच्छा, अब हम चलते हैं सर्वर वाले पे, जो सॉकेट का मेरा सर्वर वाला जो पार्ट है, सर्वर एपीआईज। अब सर्वर एपीआईज में जाके मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि इसको डॉट डिस्कनेक्ट का यहाँ पे कोई फंक्शन क्या इन्होंने पास किया हुआ है, ठीक है। सर्वर डॉट क्लोज करके इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ, हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है सर्वर डॉट क्लोज, ठीक है। हम इस आई ओ के ऊपर ना डॉट क्लोज लगाएंगे तो ये पूरा सर्वर ही मेरा शटडाउन हो जाएगा, लेकिन मैंने पूरा सर्वर शटडाउन नहीं कराना, मुझे ऑन कनेक्शन के ऊपर जो सॉकेट मिलता है ना मैंने उसको डिस्कनेक्ट कराना है। तो मेरा ख्याल है कि शायद ये सर्वर सर्वर डॉट करके ही है यहाँ पे सब, नहीं मुझे उस सॉकेट के ऊपर डॉट डिस्कनेक्ट मारना, ये रहा सॉकेट क्या आ गया यहाँ पे ना, ये रहा सॉकेट डॉट क्लाइंट कनेक्शन डेटा आईडी रिक्वेस्ट फ्रॉम, ये रहा सॉकेट डॉट डिस्कनेक्ट है ना, ये डिस्कनेक्ट मैंने करवा दिया। देख लेते हैं और भी कुछ है क्या मेरे पास, सॉकेट डॉट लीव 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 ज्वाइन एनी डॉट ऑन, नहीं मेरे ख्याल है डिस्कनेक्ट ही सही है, सही है। देखो ऑन कनेक्शन के ऊपर ये सॉकेट मिलता है और मैंने इसको डॉट डिस्कनेक्ट कॉल करवा दिया, और ये ट्रू का क्या मतलब है, इवेंट नेम ट्रू का क्या मतलब है यार, डिस्कनेक्ट सॉकेट इफ वैल्यू इज क्लोज इज ट्रू, क्लोज द अंडरलाइंग कनेक्शन अदरवाइज इज जस्ट डिस्कनेक्ट द नेम स्पेस, अच्छा ट्रू करेंगे तो वो जड़ से खत्म कर देगा उसको, यानी फ्रंट एंड को पूरा मतलब कटा देगा कि भाई आप निकल लो गई बोली। और अगर मैं जस्ट उसको बोलूँगा बगैर ट्रू के तो जस्ट उस नेम स्पेस को हटाएगा लेकिन वो कनेक्शन एक्चुअल में ख़त्म नहीं होगा, समझ रहे हो, मतलब सॉकेट में और नॉर्मल रिक्वेस्ट में फ़र्क ये था ना कि जब रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे तो उधर सेव हो जाता है जाके, ठीक है, उधर सेव हो जाता है और वहाँ से फिर जब भी वो चाहे रिस्पॉन्स भेजता है। तो अगर तो इस कनेक्शन को पूरा ख़त्म करना है तो मुझे क्या करना होगा, सर्वर से वो सेव हुआ आइटम डिलीट कर दूँगा तो ये कनेक्शन पूरा ख़त्म हो जाएगा, और क्लाइंट को बता भी दूँगा भाई हमने उड़ा दिया उधर से, आप अभी आसरे में नहीं रहना कि उधर से मैसेज आएगा, है ना, तो वो पूरा ख़त्म हो जाएगा।
और एक केस ये हो सकता है कि वक्ती तौर पे मैं मैसेज भेजना बंद कर दूँ लेकिन एड्रेस वहाँ सेव रखूँ किसी खास नेम स्पेस. अभी नेम स्पेस क्या होता है वो एक अलग चीज़ है. एक ही सर्वर के ऊपर स्लैश स्लैश करके ना डिफरेंट URL हो सकते हैं, जैसे हमारे पास होता है ना कि भाई स्लैश मैसेजेस स्लैश प्रोफाइल, ऐसे स्लैश स्लैश करके एक ही सर्वर में कई नेम स्पेसेस हो सकते हैं और हर नेम स्पेस में अलग सॉकेट आ सकता है. ठीक है, तो वो अब पूरी सॉकेट की प्रोग्रामिंग है, उसकी पूरी बुक है, एक्सप्रेस से भी ज़्यादा बड़ी चौड़ी बुक है उसकी. तो वो अभी पूरा लंबा टॉपिक है, हम उस पर नहीं जाएंगे. हमने अभी सिंपल सा काम किया जो करना था. वेल, तो हमने सॉकेट डॉट डिस्कनेक्ट ट्रू करना है इस केस में. तो मैंने कहा भाई यहाँ पे मुझे सॉकेट डॉट डिस्कनेक्ट ट्रू करना है, सही है, और यहाँ पे भी मैंने यही काम करना है. ठीक है, और मैंने कहाँ पे करना है, यहाँ पे भी मैंने यही काम करना है. ठीक है, तो अब मेरा जो ये सॉकेट का कनेक्शन था ना, ये क्या हो चुका है, ये सिक्योर हो चुका है. अब इसको जो है ना, कोई भी बंदा, ऐसा बंदा जिसके पास ये वाली कुकी मौजूद नहीं है, वो मेरे सॉकेट से कनेक्ट नहीं कर सकता. ठीक है, ये सारी सेटिंग हो चुकी है, यहाँ पे भी ये सारी सेटिंग हो चुकी है. अभी हम ज़रा इन सेटिंग होने के बाद देख लेते हैं कि मैसेजेस प्रॉपर मुझे मिल रहे हैं अभी भी या कुछ गड़बड़ हो गई है. मैं यहाँ से एक मैसेज भेजता हूँ इसको, सेंड, और यहाँ पे ये मैसेज आ गया है मेरे पास. और मैं क्लिक करता हूँ तो इस मैसेज के अंदर भी पहुँच जाता हूँ मैं. और अब यहाँ से मैं एक दूसरा मैसेज भेजता हूँ, डब्लू भेजता हूँ बहुत सारे. ठीक है, तो वो डब्लू यहाँ पे पहुँच गया, तो इसका मतलब है कि सब कुछ ओके है. अब मैंने क्या करना है, मैंने जस्ट किसी एक जगह पे से आके कुकी को जो है ना उड़ा देना. सही है, कुकी को मैंने रिमूव कर दिया. ठीक है, और अब मैं कहीं से मैसेज भेजता हूँ इसको, सेंड. यार ये तो मैसेज अभी भी आ रहा है. अच्छा, लेकिन वो तो इस्टेब्लिश करते हुए मैंने सिर्फ चेक किया ना, वो तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हुए मैंने चेक किया. तो इसका मतलब है कि कनेक्शन जब तक अब इस्टेब्लिश है जब तक वो रहेगा, वो सिर्फ कनेक्शन के टाइम पे उसको वो मना करेगा. जब तक वो कनेक्शन इस्टेब्लिश है उसको वो मना नहीं करेगा. तो इसका मतलब है मुझे किसी तरह, क्योंकि अगर मैं पेज को रिफ्रेश कराऊंगा फिर तो इस पेज पे ही नहीं आने देगा ना वो मुझे. ये वाला सीन है, अगर मैं पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ तो फिर तो इसको कैसे वेरीफाई करेंगे वो लॉजिक सही लग गई कि नहीं लग गई. एक तरीका हो सकता है इसको लॉजिक को वेरीफाई करने का. क्या तरीका हो सकता है यार, क्योंकि उसी कुकी से तो ये पेज भी लोड होता है ना, ये पेज तो फिर वो हो जाएगा. नहीं, वो तो पेज लॉग आउट होगा ना, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ सॉकेट को मैं चेक करूँ. अच्छा चलो सही है, लॉगिन वाले पेज पे फिर हम उसको एक काम करते हैं, लॉगिन वाले पेज पे हम डॉट कनेक्ट कराने की कोशिश करते हैं. वहाँ पे मुझे वो एरर देगा कि नहीं यार आप नहीं हो सकते कनेक्ट, है ना. चलो रिफ्रेश करते हैं, और ये मैं लॉगिन के पेज पर आ गया हूँ. अब लॉगिन के पेज पे मैं क्या करता हूँ, ये पूरा का पूरा यूज़ इफेक्ट जो है ना, जो मैंने यूज़र लिस्ट में लगाया हुआ था, ये यूज़ इफेक्ट पूरा का पूरा, इसको मैं क्या करता हूँ लॉगिन के पेज पर लगाने की कोशिश करता हूँ. सही है, तो मुझे लॉगिन के पेज पे उसको डायरेक्ट मना करना चाहिए कि नहीं आप कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि लॉगिन के पेज पे जब मैं खड़ा होता हूँ तो कुकीज़ मौजूद नहीं है. ये मैंने पूरा का पूरा यूज़ इफेक्ट यहाँ पे पेस्ट किया. अच्छा, ये जो बेस स्टेट यहाँ पे मौजूद है, हाँ स्टेट मौजूद है. ठीक है, विद क्रेडेंशियल ट्रू, और डॉट कनेक्ट डॉट डिसकनेक्ट कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है यहाँ पे. पर्सनल चैनल, अच्छा ये पर्सनल चैनल यहाँ पे मौजूद नहीं है. चलो पर्सनल चैनल नहीं, मैं किसी पे भी रैंडमली किसी पे भी करता हूँ. ठीक है, क्योंकि अच्छा ये डॉट ऑन लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, वो असल में इसी आईओ पे ही रोक देगा मुझे. वो यहाँ डॉट ऑन तक, तो इसको डॉट ऑन को हटा देता हूँ. सही है, यहाँ तक तो पहुँचने की नौबत आनी नहीं चाहिए. अच्छा, तो असल में होना क्या चाहिए, ये कनेक्ट एरर आ जाना चाहिए यहाँ पर. ठीक है, ये होना चाहिए. देखते हैं आता है कि नहीं आता. यूज़ इफेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड और आईओ भी नॉट डॉट डिफाइंड, तो दोनों मुझे यहाँ लाना पड़ेगा उठा के. आईओ को ले आते हैं लॉगिन की स्क्रीन पे. सही है, और यूज़ इफेक्ट को भी ले आते हैं. सही है जी. अच्छा, इसको अब मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ. हाँ, ये एरर इसने मुझे दे दिया. सही, ठीक है. कनेक्शन एरर ड्यू टू XHR पोल एरर.
कनेक्शन रिफ्यूज सामने से लिखा हुआ है, सही है, ये मुझे कनेक्ट नहीं करने दे रहा। अच्छा ये बार बार आता ही जा रहा है। अच्छा जब मैं साइन अप पे जाके वापस लॉगिन पे आता हूँ तो जाहिर है वो दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो मुझे एरर दे देता है ये, ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर की ये वाली चीज़ भी ऑन कर दूँ कि चलो यार किसी भी चैनल पे आप क्या करो, सब्सक्रिप्शन करो, सही है, एक ऐसे चैनल पे जो एग्जिस्ट नहीं करता एक्चुअली, उस पे सब्सक्रिप्शन करने की कोशिश करो आप, तो जाहिर है वो यहाँ तक पहली बात तो पहुँचेगा नहीं। साइन अप पे गया मैं, वापस लॉगिन पे आया, साइन अप पे गया मैं, वापस लॉगिन पे आया, ठीक है, अब ये कनेक्ट नहीं करने दे रहा मुझे। अच्छा अब मैं यहाँ पे लिखूँगा वो ईमेल मेरा private@gmail.com और प्राइवेट, और एंटर करूँगा मैं, इसको क्या हुआ स्टेटस पे क्या आ गया, app.jsx98 पे स्टेटस नहीं मिल रहा इसको। क्या लगा दिया मैंने ऐसा, एरर 98 login.jsx लाइन नंबर 54। अच्छा login.jsx लाइन नंबर 54 है, अच्छा लॉगिन हैंडलर और 54, इसमें कौन सा स्टेटस है यार, अच्छा मुझे इस वाले को भी इसने डिस्कनेक्ट कर दिया क्या, ये कैसे लॉग आउट हुआ यार, इस वाले को तो मैंने लॉग आउट भी नहीं किया था, टोकन तो इसमें मौजूद है, ये कैसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। अच्छा अबे यार ये मैंने क्या कर लिया इसके साथ, error.response.status401। अच्छा मेरे लॉगिन की जो रिक्वेस्ट है वो फेल हो जा रही है, वो क्यों फेल हो जा रही है, मैंने पासवर्ड अलग डाल दिया है, पेलोड और प्रीव्यू रिस्पॉन्स, अरे यार इसमें प्रोविजनिंग का इशू आ रहा है, प्रोविजनिंग का इशू क्यों आ रहा है भाई, इस लेवल पे तो मैंने कुछ चेंज भी नहीं किया। सब कुछ तो सही है यार, जो पहले था वही एग्जैक्टली वही है। क्या कर दिया मैंने ऐसा इसके साथ, बाई द वे ये अभी मुझसे ये कह रहा है कि app.js पे ना इसको ये नहीं मिल रहा, जो स्टेटस है ना ये मिल नहीं रहा इसको, मैंने एक वो यूज़ इफेक्ट करके ना इस पर इंस्पेक्शन लगाई हुई थी कि हर आने और जाने वाली रिक्वेस्ट पे क्या करो आप जो है ना वो विद क्रेडेंशियल ट्रू करके भेजो और लाइक दैट, और फिर मैंने यहाँ पे ये भी लगाया हुआ था कि एरर के रिस्पॉन्स में स्टेटस अगर हो ना 401 हो, अगर यहाँ पे नलिश ऑपरेटर लगा देता हूँ मैं फ़िलहाल के लिए, मुझे लग रहा है असल में यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मैं वहाँ से TCP की रिक्वेस्ट, क्योंकि वो भी TCP की रिक्वेस्ट है ना, तो सॉकेट IO से जब वो जा रही है निकल के तो इंस्पेक्शन उसकी भी होते हुए जा रही है, मुझे लग रहा है कुछ इस तरह का वहाँ पे मामला हो रहा है।
अच्छा, ये अभी भी बोल रहा है कि उसको स्टेटस नहीं मिल रहा। प्राइवेट एग्जॉस्ट नेटवर्क एरर, इंटरनेट बंद तो नहीं हो गया? इंटरनेट तो चल रहा है। अच्छा एग्जॉस्ट में एरर क्या आया भाई? डॉट मैसेज में नेटवर्क एरर आ रहा है, व्हाई इज दैट यार? ओहो मेरा सर्वर क्रैश हो रखा है भाई यहाँ पे। अच्छा सर्वर क्यों क्रैश हुआ है भाई? क्लाइंट डिसकनेक्टेड विद आईडी दिस 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 रिक्वेस्ट डॉट कुकी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट न्यू क्लाइंट कनेक्टेड विद आईडी दिस आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग मस्ट बी स्ट्रिंग। अच्छा ऑब्जेक्ट डॉट पार्स, अच्छा अच्छा ये एरर असल में वहाँ पर हुआ है कि जहाँ पे मैं इसका कुकी का डेटा निकाल के इसको देता हूँ ना पार्स करने के लिए, तो वो अगर इसको अनडिफाइंड मिल जाता है ना तो ये पागल हो जाता है। हाँ ये इसमें हो रहा ही है कि समटाइम इसको क्या मिलता है ये पार्स के अंदर ना इधर इसको वो कुछ और ही मिल जाता है शायद, इस वजह से ये जो है ना गड़बड़ हो रही है। तो ये जो कुकी डेटा है ना मेरा, एक दफ़ा और इसके हम लॉग्स जो आए हुए हैं ना इसमें वो हम ज़रा एक दफ़ा अच्छे से पढ़ देते हैं। क्लाइंट को जैसे ही मैंने डिस्कनेक्ट किया है और ट्रांसपोर्ट को क्लोज़ किया है, रिक्वेस्ट डॉट कुकी में मुझे फिर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिला है नल। रिक्वेस्ट डॉट कुकी न्यू क्लाइंट कनेक्टेड विद दिस, हाँ एक्चुअली मुझे यहाँ पे एक तो नलिश ऑपरेटर देना होगा पहली बार, और दूसरा इसमें मुझे शायद ना वो भी एक लगाना पड़े आर्ग्यूमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग इंडेक्स डॉट लाइन नंबर 49 287। हाँ ये इधर है ना, ये इस आर्ग्यूमेंट पे इसको ना नल वल कुछ मिल जाता है शायद। नहीं नहीं ये असल में कुकी डॉट पार्स का जो फंक्शन है ना इसको अनडिफाइन वगैरह मिल रहा है तो ये बिल्कुल ब्रेक कर दे रहा है कोड। तो मुझे शायद लग रहा है कि इसको मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको ना ऐसे कट करके यहाँ से और इफ़ की कंडीशन पे इसको लगाना पड़ेगा मुझे कि भाई ये चीज़ अगर नहीं होना तो इसको वापस भेजो। सही है, ये वाली चीज़ अगर नहीं हो तो इसको वापस भेजो, या मे बी मुझे दो इफ़ की कंडीशन लगानी पड़ेगी। एक तो मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी ये वाली कि भाई इफ़ इज़ नॉट इक्वल्स इक्वल्स टाइप ऑफ लगाना पड़ेगा इसमें मुझे। नहीं नलिश ऑपरेटर में नहीं करेगा। सही है, मैंने कहा भाई टाइप ऑफ और ये आइटम जो भी है ना ये वाला इसका टाइप ऑफ निकालो आप, और अगर ये नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग हो जाए तो ये कर दो। अच्छा अगर इसमें से कोई एक भी अनडिफाइन होता है तो टाइप ऑफ अनडिफाइन अनडिफाइन ही रहता है वो, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा भाई आप ना इसको यहाँ से वापस भेजो, सॉकेट डॉट डिस्कनेक्ट करो अब यहाँ से। सही है, अगर ये स्ट्रिंग इसकी टाइप नहीं है तो ठीक है, यहाँ से इसको आने नहीं दो और यहाँ से रिटर्न भी कॉल करो। बस नल हुआ तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा ना। अभी आप देख रहे थे नल का स्ट्रिंग टाइप, नहीं नहीं वो असल में ऊपर वाले पे भी एक आ रहा था। ठीक है यहाँ पे मैंने एक और चेक लगाया ताकि जब यहाँ तक ये पहुँचे तो इसको हर हाल में स्ट्रिंग हो जब भी पहुँचे यहाँ तक, ये उसके बगैर ना पहुँचे। अब इन दो इफ को शायद मैं मर्ज कर सकता हूँ बाद में, लेकिन फिलहाल अभी मेरा कोड ज़रा चल जाए, सीधा हो जाए मेरा कोड। सही है, ये मेरा कोड सीधा हो गया और इसमें मैं कॉन्सोल लगा देता हूँ इधर। कुकीज़ वाज नॉट फाउंड, ठीक है ये मैंने यहाँ पे लगा दिया लॉग ताकि अगर इस वाले से ये हिट हो ना तो पता चले कि कुकी नॉट फाउंड हो गया। टोकन नॉट फाउंड इन कुकी, सही है यहाँ पर तक अगर आया इसका मतलब है कि कुकी मिला था बट उसको पार्स करने के बाद उसमें टोकन नहीं मिला, यहाँ पे आने का मतलब ये हो जाएगा।
ठीक है। अब ज़रा जाते हैं हम दोबारा और ये लॉगिन वाले को अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, ये तो मेरा वो वाला था ना जिसको मैंने लॉगआउट नहीं किया था, लॉगआउट मैंने इसको किया था प्राइवेट वाले को, ये स्टिल लॉगआउट है। इसके कॉन्सोल पे देखते हैं अब मुझे ये क्या दे रहा है। रिफ्रेश किया मैंने इसको, ठीक है, एक्सियोस का एरर मुझे दे रहा है 401 प्रोफाइल गेट करने के अगेंस्ट और सॉकेट डिस्कनेक्ट फ्रॉम सर्वर ऐसे करके बता रहे हैं, आईओ सर्वर डिस्कनेक्टेड। सही है जी। और अगर मैं साइनअप पे जाके वापस लॉगिन पे आता हूँ तो ये सॉकेट डिस्कनेक्शन का दोबारा मुझे एरर दे रहा है, ठीक है। एक दफ़ा कनेक्टेड भी बोल रहा है शायद, एक दफ़ा कनेक्टेड भी बोल रहा है और फिर अगले ही सेकंड वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। लेकिन लाइन नंबर 28 पे कनेक्टेड बोल रहा है, 31 पे डिस्कनेक्ट हो रहा है। लाइन नंबर 28 कहाँ है भाई? लाइन नंबर 28 पे ये कनेक्टेड बता दे रहा है और कनेक्टेड यानी ऑन कनेक्शन पे सर्वर से फ़ौरन इसको डिस्कनेक्ट करवा दिया जाता है यहाँ से, ठीक है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, सिर्फ कनेक्शन इस्टेब्लिश होते हुए हम इसकी कुकी चेक कर रहे हैं। वंस कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो दोबारा हम इसकी कुकी कभी भी चेक नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये कुकी हम दोबारा किसी भी वक्त चेक कर सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हम ये कुकी कभी भी चेक करके भेज सकते हैं या हम ये कर सकते हैं कि एक सर्टेन टाइम के बाद इसको हम ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट करवा दें और दोबारा से कनेक्शन इस्टेब्लिश करिए। वेल, हम अभी कुकी जो सॉकेट प्रोग्रामिंग है उसको थोड़ा मिनिमल ही हमने रखा है यहाँ पे। अच्छा, तो अब मैं आता हूँ ये प्राइवेट वाले को, मैं दोबारा से लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, जो कि ऑब्वियसली वो लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था, मैं वो हो नहीं पा रहा था, राइट। तो चूँकि इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि सर्वर पे वो एक कोड ब्रेक हो रहा था मेरा। मैंने कहा private@gmail.com, प्राइवेट इसका पासवर्ड है, ठीक है जी, ये लॉगिन हो गया और लॉगिन होते ही है इसका सॉकेट कनेक्ट हो जाना चाहिए। तो मैं अब यहाँ से इसको क्या भेजता हूँ, प्राइवेट को कुछ मैसेजेस भेजता हूँ। अगर इसका सॉकेट कनेक्ट हो गया होगा तो उसको वो मैसेजेस मिल जाएंगे। ये मैंने एक नया मैसेज भेजा, मिल गया इसको यहाँ पर, सही है। तो इसका मतलब है कि जैसे ही मेरा टोकन मेरा अवेलेबल हुआ तो वो कनेक्ट हो गया। अब मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ और वापस होम पे आता हूँ तो ये कनेक्टेड लिखा हुआ रहा है लेकिन डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा, ये कनेक्शन इस्टेब्लिश प्रॉपर हो जा रहा है, ठीक है। जब भी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे, अच्छा ये भी एक बेनिफिट है कि अगर जस्ट इन केस वो लॉगिन लॉगआउट हो जाता है या टोकन एक्सपायर हो जाता है तो एक कंपोनेंट छोड़ के जब दूसरे कंपोनेंट पे जाते हैं ना तो नए सिरे से कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, तो वहाँ पे वो चेक में आ ही जाएगा। मतलब अल्टीमेटली, मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर टोकन मेरा एक्सपायर हो गया तो वो बहुत लंबे टाइम तक वो सॉकेट चलता रहेगा और टोकन नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तो हमने अपने सॉकेट के कनेक्शन को क्या कर लिया, सिक्योर भी कर लिया। अच्छा, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में जो हमारे पास एरर था वो मैंने रियलाइज़ ये किया था कि वो एरर रेलवे का नहीं है, ठीक है। तो अब होना ये चाहिए कि अब मैं इस कोड को, ये चलता हुआ कोड है, इसको सीधा सीधा उठा के जब मैं रेलवे पे भेजूंगा तो ये कोड मेरा चल जाना चाहिए। अच्छा, रेलवे पे भेजने से पहले मुझे कुछ चीज़ों को मेक श्योर करना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें इसकी सही चल रही हैं या नहीं चल रही। मिसाल के तौर पर सर्वर के ऊपर जो कोर्स में जो लगी हुई है ना चीज़ें, वो मेरी सही चल रही हैं या नहीं चल रही। कोर्स में मैंने एक URL लगाया था ना यहाँ पे, 210 पे लगाया था ये वाला URL। तो इस पे मैं अभी एक एरे दूंगा इसको ऑब्वियसली, और ये एरे पास करके मैं जो मेरा रेलवे वाला URL था उसको भी ज़रा निकाल के ले आता हूँ मैं, ठीक है। ये मेरा रेलवे का URL ना, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये रेलवे पे भी सही चले। अच्छा, इसको भी मैं वो बेस URL वाली लॉजिक लगा सकता हूँ लेकिन फ़िलहाल के लिए शायद ये ठीक है। अच्छा, और मैं ऊपर चलता हूँ, ऊपर भी मैंने एक, अच्छा एक बात और, ये मुझे ना लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जब मैं क्लाउड पे जब जाऊँगा तो वो सेम ओरिजिन पे करेगा, तो सेम ओरिजिन पे वो रोकता नहीं है, मना नहीं करता उसको ना, लेकिन फिर भी मैंने चलो लगा दिया जस्ट इन केस, ठीक है। यहाँ वाले कोर्स में मैंने नहीं लगाया हुआ है लेकिन ये चल रहा था स्टिल, ये इसी वजह से चल रहा था कि सेम ओरिजिन पे, तो ये कोर्स का मसला ही नहीं है ना, फिर कोर्स का मसला सिर्फ अलग ओरिजिन पे आता है, सेम ओरिजिन पे नहीं आता, ठीक हो गया जी। तो बस मैं इसको करूँगा कि भाई वर्किंग कोड, और उसको मैं भेज देता हूँ ऐसे। अच्छा, एक वो बिल्ड चलानी पड़ेगी मुझे, सही है, npm run बिल्ड कर दिया मैंने इसको।
सही है जी, न्यू बिल्ड, और ये भी कोड मैंने सर्वर पे पहुंचा दिया। डिप्लॉयमेंट चल रही है भाई हमारी, ठीक है, न्यू बिल्ड वाली जो डिप्लॉयमेंट थी वो यहाँ पहुँच चुकी है और वो डिप्लॉय हो रही है। लास्ट टाइम हमने बिलावजा रेलवे पे बहुत गुस्सा किया लेकिन रेलवे क्योंकि एक मशीन है तो उसने माइंड नहीं किया। ब्राइट साइड ऑफ मशीन्स, उसको पता क्या चल गया, बस उसको मज़ा आ गया, हमें उसने तंग कर लिया, बस मज़ा आ गया उसको, बोला जो मर्जी बोलते रहो। ठीक है भाई, ये डिप्लॉयमेंट इसकी कंप्लीट हो गई है, और कैसे मुझे पता चलेगा कि मैं नए वाले कोड पे शिफ्ट हो चुका हूँ, मुझे ऐसे पता चलेगा कि मैं एक स्क्रीन पे ये वाली जो जो मेरा पहले से अकाउंट लॉगिन है वो खोलूँगा, और एक दूसरी स्क्रीन पे मैं वो प्राइवेट वाला जो है ना वो ओपन कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है, ये दिस इज़ मी, यानी ये अकाउंट मेरा लॉगिन है, और यहाँ पर मेरा ये लोकल हाउस 3000 चल रहा था, इस पर भी मैं वो क्लाउड वाला ओपन कर लेता हूँ। सही है, क्लाउड वाला ओपन कर लिया मैंने, तो ये लॉगिन कैसे हुआ आ रहा है भाई, कुकी सेव है एक्चुअली, इस वजह से आ रहा है। हाँ, वो इस पर मैंने शायद क्लाउड वाला एक दफ़ा और भी लॉगिन किया था। हाँ, दिस इज़ मी आ रहा है। तो एक काम करते हैं, दोनों को लॉग आउट करते हैं पहले यार, दोनों को लॉग आउट करके हम नए सिरे से लॉगिन करते हैं, ताकि वो पुरानी वाली चीज़ें सारी जो है ना कोई भी इसमें बीच में मसला ना करें। ठीक है, private@gmail.com प्राइवेट, और ये मैंने लॉगिन कर लिया। ठीक है, और ये प्राइवेट वाला किससे बात, प्राइवेट वाला किसी से बात नहीं कर रहा, होम स्क्रीन पे खड़ा हुआ है अभी, और यहाँ से मैं खड़ा होकर इस प्राइवेट वाले को मैसेज भेजता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने पुराने मैसेजेस भी आ गए इसके, और मैंने एक भेजा नया मैसेज, मैंने कहा हेलो प्राइवेट, और सेंड का बटन दबाया, तो क्या हुआ, एरर आ गया, हेलो प्राइवेट यहाँ आ गया, सही है, चला गया, हेलो प्राइवेट एबीसी एंटर। ठीक है, थोड़ी देर में आ रहा है क्योंकि अभी क्लाउड पे आ चुका है ना, तो थोड़ी देर में आ रहा है, वो तो लोकल था उसका फ़ौरन चल रहा था। अच्छा, ये तमाम मैसेजेस गेट होते हैं, यहाँ से मैं कोई भी बात लिख के सेंड करता हूँ ना, तो तमाम मैसेजेस गेट होते हैं, वो ये मैंने सही नहीं किया इसको, मैंने सिर्फ उस वाले को सिंगल पे किया था, इस वाले को भी करना था, लेकिन वेल आप समझ गए वो असल में क्या चीज़ है, तो करके बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो इस जगह पे ये पहुँच जाता है, और यहाँ से अब मैं कोई इसको बात यहाँ से लिख के भेजता हूँ जवाब में, तो यहाँ पे भी मुझे वो रियल टाइम में मिल जाता है। चलो भाई हारून, अब एक लॉगिन कर लो अपनी ये ऐप, ये वाली क्या था यार, air.sysborg पे मैं लिंक भेज रहा हूँ, बस इसको चलाओ अपने हाथ से एक दफ़ा। हाँ, बस वो लॉगिन किया हुआ तुमने, लॉगिन इसी URL पे, कौन सा है तुम्हारा बताओ, बस मुझे मैसेज भेजो ना, मेरे पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आनी चाहिए, हारून का मैसेज आ गया, क्लास ख़त्म, हेलो सर आ गया तुम्हारा ये मेरे पास। चलो भाई, यहाँ से मैंने भेजा हाय, थैंक यू तुमने भेजा, मुझे मिल गया, मुझे सही है। शहजाद ज़रा टाइम देखो क्या हो रहा है, और टाइम लिखो यहाँ पे ज़रा मैसेज में, शहजाद टाइम लिखो जल्दी, सही है भाई, शहजाद ने टाइम लिख दिया मैसेज में, और ये मेरे पास टाइम रिसीव हो गया। अब मैं होम पे जाऊंगा, तो अगर कोई और भी मुझे मैसेजेस कर रहा है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा होगा। चलो भाई, बाकी लोग किसी अगर ने और ने लॉगिन किया तो ज़रा एक आध मैसेज भेजो। सही है भाई, तो ये मेरे पास ना नोटिफिकेशन आ रहे हैं, जो भी लोग मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं उनका नोटिफिकेशन यहाँ पे आ रहा है, और इसको मैं नोटिफिकेशन को डिसमिस कर देता हूँ। चलो भाई, और मैसेजेस भेजो। अच्छा, मेरा जो URL है वो ये वाला है, malik@sysborg पे मैं इस वक्त लॉगिन हूँ, तो इस ईमेल पे आप इस वाले यूज़र को भेजेंगे तो मुझे मिलेगा।
शहजाद ही भेज रहा है मुझे मैसेज, बाकी किसी का ही है। हाँ भाई, तुम लोगों ने लॉगिन किया किया तुमने, कर रहे हो, चलो कर लो, थोड़ा लेट चल रहा। वो रेलवे की बस तो नहीं हो गई, रेलवे में अभी भी 40 आवर बाकी है मेरे, बस अभी 40 ख़त्म कर दिए उसने इतनी देर में। अबे वो 500 घंटे ना, उस पर एक ऐप चलाई भी है मैंने ऑलरेडी, तो बस वो एयर डॉट से इस बॉर्ड को जो डॉट डॉट नहीं आता आई बी शुरू में, वो है। हाँ, थोड़े दिन में अब नल आना शुरू हो गया, लेकिन वो तुम्हें फील नहीं होगा नल आता हुआ। पूछो क्यों? क्योंकि जिस कंप्यूटर में आप एक बार यूज़ कर लेते हो ना, उसके लोकल स्टोरेज में सेव करता है वो आई पी को, तो अगर मतलब एक दफ़ा भी आपकी सही आई पी आ गई ना, तो वो रहती है फिर बाद तक। अभी मैं किसी दूसरी जगह एक स्कूल में पढ़ा रहा था, वहाँ के बच्चे इतने चालाक, उन्होंने VPN लगाया, वो एक बार खोला ना उसको, उसके बाद उन्होंने VPN इंस्टॉल किया, VPN इंस्टॉल करके उन्होंने मैसेज भेजे, उनको लगा अब तो आईपी चेंज हो जाएगी, आईपी नहीं हुई चेंज। तो फिर मतलब वहाँ के जो दूसरी टीचर्स थी, मैंने कहा भाई बच्चे तो अभी बहुत हार्ड चल रहे हैं। उन्होंने जब मैंने कहा, उन्होंने कहा पता कैसे चलेगा किसने भेजा है? मैंने कहा जिस कंप्यूटर से भेजा था उसकी आईपी आ रही है इसमें, जाएँ चेक करें। अब वो ना VPN लगा के बैठा हुआ बड़े मज़े से, वो मैसेज भेजा भाई पुरानी आईपी आई, क्यों? वो तो एक दफ़ा आ जाता है लोकल स्टोरेज में सेव हो जाता है, वो फिर हटता नहीं है कभी भी वहाँ से। जॉन पप्पा के मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, ABC के मैसेजेस आ रहे हैं, सही है, और शहजाद के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, सही है। कॉन्सोल पे भी मुझे जब जब कोई नया मैसेज आएगा तो मुझे कॉन्सोल पे भी यहाँ पे दिख रहा होता है कि यार मेरे पास ये एक मैसेज आया है, ठीक है, पुश डेटा आ रहा है मेरे पास, ठीक है। जॉन पप्पा के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारा जो सॉकेट आईओ वाला टॉपिक था, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट की थी मैंने, आपको याद होगी वो, कि जो इससे पहले हमने ऐप बनाई थी, इससे पहले हम क्या बना रहे थे, ट्विटर जैसी एक ऐप बनाई थी हमने, तो वो आप सब लोग बना लेंगे तो फिर हम इंशाल्लाह रिएक्ट नेटिव शुरू करेंगे। अब हमारे पास ये ऑलमोस्ट कोई 10 दिन के करीब मौजूद है टाइम, या उससे भी कम है, बल्कि 10 दिन 3 क्लास हैं, ठीक है। इमेज अपलोड कर रहे थे, हाँ, मोस्टली पे इसने पीडीएफ में पास कर दिया सर, उसे कंडीशनल कैसे बनाएं, क्या इमेज के बगैर अगर हम पोस्ट करें तो एरर आ जाएगा? इमेज के बगैर अगर करें तो नहीं हो रहा, वो ये कह रहे हो तुम? सर इमेज भी कर रहे हैं ना, तो इमेज पोस्ट पे जा रहा है, इमेज के साथ और एक बैर इमेज के ऊपर और सर्वर के साथ नहीं। देखो वो तो आप कंडीशन तो इफ से होगा ना, मिसाल के तौर पे तुम ये कह रहे हो कि अगर बंदे ने बगैर इमेज के फॉर्म सबमिट कर दिया, तो तुम सबमिशन का जो फंक्शन है तुम्हारे ऑन सबमिट का, उसकी पहली लाइन में ही तुम लगा दोगे एक कंडीशन कि इफ़ इमेज इज़ देयर, तो एक एंटायरली डिफरेंट लॉजिक होगी। अगर इमेज इज़ नॉट देयर तो एंटायरली डिफरेंट लॉजिक होगी। सर्वर पे भी ये कर सकते हो आप, देखो कंडीशन तो जितना मर्जी आप लगाते रहो ना, सर्वर पे कंडीशन कर दो। क्या मतलब? नहीं मतलब ये कह रहे हो कि अगर मल्टर लगा दिया तो फिर फाइल भेजनी भेजनी है लाजमी, अगर नहीं भेज रहे तो एरर आ जा रहा है। नहीं, मिसाल के तौर पे अगर मैं बगैर फाइल के भेजता हूँ तो वो मल्टर का जो मिडिल वेयर है वो क्रॉस होता है कि नहीं होता? देखो मल्टर का काम पता है क्या है, अगर उसको कोई फाइल मिलती है, अगर उसको कोई फाइल मिलती है तो वो सेव कर देता है, नहीं मिलती तो कुछ नहीं बोलता, आगे बढ़ जाता है वो। तो आपको रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स में फिर अनडिफाइन मिलेगा या नल मिलेगा, यही होगा ना? तो आप एक इफ लगा देना कि भाई रिक्वेस्ट डॉट फाइल में अगर कोई फाइल नहीं है तो एक लॉजिक थोड़ी अलग तरह की होगी, अगर रिक्वेस्ट डॉट फाइल में फाइल है तो लॉजिक अलग तरह की होगी। ये तो इफ कंडीशन तो कहीं पर भी लगा सकते हो ना, तो जिस चीज़ में वो नल आता है ना, यानी फाइल भेजने पर और फाइल नहीं भेजने पर जो भी डिफरेंस है, उस डिफरेंस पर आप कंडीशन लगा दो। अब मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है कि बगैर फाइल के भेजने से वो करता क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको नल वल देगा किसी एक जगह पे, क्रैश कर देता है।
चलो हम फिर जॉन पापा ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए हैं, जवाब दे देता हूँ मैं। हाय हाय जॉन। अच्छा इसमें जब सेंड होता है मैसेज तो कोई लोडर नहीं है हमारे पास, वो भी ऑब्वियसली इसमें होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी हम अभी 30 मिनट ऊपर हो गए क्लास की टाइमिंग से, तो हमने मेन जो फंक्शनैलिटी है सिर्फ उस पर तवज्जो दी है फ़िलहाल के लिए। और इस ऐप में बहुत सारी कमियां हैं, तो आपने जब ये बनानी है ऐप तो इन कमियों को आपने दूर करना है अब, क्योंकि ज़ाहिर है आपके पास 4 घंटे 6 घंटे होंगे ऑब्वियसली। अच्छा